इवनिंग एवरी वन प्लीज एक बार वेरीफाई कर दीजिए क्या वॉइस प्रॉपर आ रही है सो so ये आपका उम्मीद का डिजिटल का लास्ट क्लास है आज मैं बात कर रहा हूं लास्ट क्लास की और उम्मीद में मैंने डिजिटल कोशिश किया है कि आपको ना कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर दू अगर आपने प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन इस रिवी, इस उम्मीद बैच के साथ लगाया होगा तो आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा डिजिटल जो लोग जो लोग क्वेश्चंस लगाने में अभी भी चूक गए हैं उनके लिए एक ऑप्शन है वो मुझे अन अकेडमी के ऐप पे फॉलो करेंगे और मैं एक दिन में सारे गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होंगे उनको करा दूंगा इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा तो ये मैं आपको कराऊंगा तीन तारीख को तीन फरवरी को कराऊंगा इसके लिए आपको मुझे अभी फॉलो कर लेना होगा और मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में जो एरो बना है उस पर जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरी जो है आप अन अकेडमी की आई को फॉलो कर लीजिए जो लोग इसे खोलना नहीं जानते उन्हें मैं समझा देता हूँ देखिए आगे से आने वाली मेरी सारी जो कि और सब्जेक्ट्स के बारे में और डिटेल में होगी अभी मैंने उम्मीद बैच काफी फास्ट पढ़ाया था सो आप यहां पर ना सेट रिमाइंडर जब भी आप देखा करिए लोगों पे तो दबा दिया करिए इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो स्टार्ट होने वाली होगी आपको मिल जाएगा आज जिन लोगों ने फार्मूला सीरीज मशीन की मिस की है वो प्लीज फार्मूला सीरीज जरूर देख लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें मैंने आज फार्मूला सीरीज में डीसी मशीन और सिंक्रोनस कराया था थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ ठीक है गुड इवनिंग बेटा गुड नाइट क्यों कह रहे हो बेटा ठीक है चलो अभी लास्ट में बोलना जाते समय अभी तो तुम मुझसे मिल रहे हो ना सुनते जाओ मेरा नाम वरुण है एंड मैं आपको जो है सब्जेक्ट्स डील करने वाला हूं इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई हैव टेन इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें मैंने ये सीखा है कि एक स्टूडेंट को ना किस तरह की डिफिकल्टीज होती है So, मैं अपने आप को एक बिल्कुल एवरेज बंदे की तरह सोचता हूं और उसी तरह एक एवरेज इंसान जैसे समझ सकता है उस डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूं कि बड़ी बोल चाल की भाषा में चीजों को समझा जा सके ठीक है अगर आप अन अकेडमी पे कोई भी कोड आ, कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करने वाले हैं यू कैन यूज माई कोड इन ऑर्डर टू गेट टेन डिस्काउंट यू कैन फॉलो मी ऑन एप अनएकैडमी एप एज अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट द रेट मशीन डॉट कोई सर रनिंग बैच आपका जो अभी एग्जिस्टेंस में है जी इवॉल्व फॉर गेट 2022 बैच के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो इसमें मैं इलेक्ट्रिकल मशीन से स्टार्ट कर रहा हूं अदर की इमेज आप देख पा रहे होंगे ये ग्रॉन्गेस्ट बैच आपका बनने वाला है इसमें जो भी स्टूडेंट आएगा 100 परसेंट उसकी जो सक्सेस है वो गारंटीड रहने वाली है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक वे में बनाया गया बैच है आप इस बैच में रजिस्टर करने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हो इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी और साथ ही साथ आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा सर ये बैच पे जाएंगे कैसे इट इज वेरी इजी ओनली यू नीड टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप देन ओपन दे विल द द ऐप विल आस्क अ कोड यू कैन जस्ट पुट अ कोड VST101 अब देखो यहां पर मैंने यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दिखा रखा है ध्यान से देखो ये दो तरह के पेड कोर्सेज आपको ऑफर करता है स्टूडेंट को अक्सर ये पूछना होता है कि सर पेड कोर्स में एनरोल क्यों करना चाहिए द बेस्ट थिंग टू बी कंटिन्यू इज टू एनरोल योर सेल्फ इन पेड कोर्स स्पेशली फॉर द ऑनलाइन ठीक है सो ऑनलाइन में ना कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है और उसको आप पेड कोर्स में एनरोल होके कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकते हो तो यहां पे दो तरह के कोर्सेज हैं एक है प्लस और दूसरा है आपका आइकॉनिक प्लस की अगर मैं बात करूं तो इसका फीचर है लाइव क्लासेस so live classes is best as you are interacting with the teacher crash course weekly test doubt solving session this is the best part every fourth class is a doubt solving so this is the strongest platform which provides you one to one doubt session then english hindi and rank improvement batch if you are willing to join this plus course अगर आपको ये प्लस कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ये 12 मंथ का प्लान ले सकते हो 18 मंथ का प्लान ले सकते हो या 24 मंथ का प्लान ले सकते हो द बेस्ट इज टू गो विद ट्वेंटी फोर मंथ प्लान एज द पर मंथ कॉस्ट इज वेरी लो साथ ही साथ आपको ना ये 24 मंथ तक जितने भी पेड कोर्सेज हैं वो सब अनलॉक हो जाते हैं

फीस विली से ठीक है जरा ध्यान दीजिएगा नया बैच अलर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा अगर आप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के स्टूडेंट हैं तो आपको इस वाले बैच बैच डी के लिए एनरोल करना चाहिए ये बैच एक फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और आप अगर इलेक्ट्रिकल के हैं तो मैं इसमें आपका स्टार्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल मशीन ठीक है अदर टीम मेंबर्स को आप देख सकते हो हर टीम मेंबर अपने आप में बहुत जबरदस्त कंटेंट नॉलेज रखता है और आपको इसका बहुत फायदा होने वाला है ठीक है इफ यू आर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच देन यू हैव अ बैच बैच डी एंड द मेजर एजुकेटर्स ऑफ दिस बैच यू कैन प्लीज

हाँ जी यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या बहुत बढ़िया चलिए मैं नहीं बोलूंगा कोई भी शब्द आप अगर मुझसे कुछ गलत बुलवाना चाहते हो तो मैं नहीं बोलूंगा आज का हमारा टॉपिक क्या है सर आज का हमारा टॉपिक है हाँ जी बेटा एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर स्टूडेंट के दिमाग में जो सबसे पहले बात आती है वो यही है कि सर क्यों कन्वर्ट करना बिकॉज इन रियल वर्ल्ड ऑल द डेटा आर इन एनालॉगस फॉर्म लेट एस सपोज वट एवर आई एम से माई ऑडियो दट ऑडियो इज अनाल सिग्नल अब ये जो ऑडियो सिग्नल है यह आप सुन रहे हो इससे पहले क्या हो रहा है इससे पहले यह डिजिटल सिस्टम में जा रहा है डिजिटल में ट्रांसमिट हो रहा है फिर आपके स्पीकर पे एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज डिजिटल सिस्टम कैन ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल डिस्क्रीट वैल्यूज लो और हाई इट कैन ओनली अंडरस्टैंड द डिस्क्रीट वैल्यूज़ हाई, so, समस्या ये है कि डिजिटल जो है वो सर्किटरी सिर्फ डिजिटल की भाषा समझ सकता है तो डिजिटल वर्ल्ड एक दूसरा दुनिया हो गया और रियल वर्ल्ड में जितने भी डेटा हैं टेम्परेचर है प्रेशर है ऑडियो सिग्नल है या फिर हीट जो भी आपका हो ये सब किस फॉर्मेट में है एनालॉग फॉर्म में तो अगर हमको कोई डेटा अगर हम बोल रहे हैं कि डिजिटल प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट है मैं यहाँ बोल रहा हूँ आप मुझसे पता नहीं कितने सौ किलोमीटर या हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हुए हो और तुरंत मुझे लाइव सुन पा रहे हो सो so आपने बोला सर डिजिटल सिस्टम की प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है पहले आपकी वॉइस कन्वर्ट हो रही है डिजिटल में और फिर वो ट्रांसमिट होने के बाद वापस कन्वर्ट हो रही है एनालॉग में और हम स्पीकर पर उसे सुन पा रहे हैं आपको देख पा रहे हैं ये सब क्या हो रहा है आपने बोला सर फाइनली डिजिटली प्रोसेस हुआ लेकिन एनालॉग टू डिजिटल सोर्स पे और फिर लोड एंड पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करना पड़ा क्योंकि डिजिटल कैन ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल सो वी मस्ट हैव टू कन्वर्ट द एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है बहुत बढ़िया देखो बेटा अगर उम्मीद का भी पूरा बैच देखोगे तो मजा आ जाएगा देखो अगर हम बात करते हैं टाइप्स की तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ए डी सी इसको बोलते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो एक होता है हमारे पास काउंटर टाइप इसे हम लोग रैंप टाइप के नाम से भी जानते हैं दूसरा होता है हमारे पास एस ए आर टाइप जिसे हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप प्लीज आप ना थोड़ा सा आप मेहनत करिएगा लिखने में ठीक है सो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप तीसरा हो गया आपका कंपरेटर टाइप इसे फ्लैश टाइप भी कहते हैं एंड दिस इज द फास्टेस्ट वन दिस इज द फास्टेस्ट वन इसके बाद चौथा होता है आपके पास ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटर टाइप ठीक है सर इसे हम बोलेंगे स्लोवेस्ट एमंग ऑल तो ये याद रखेंगे कि फास्टेस्ट कौन सा है और स्लोवेस्ट कौन सा है बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है सर अब जितने भी एडीसीज़ हैं इनमें जैसे काउंटर हो गया एस हो गया तो इनमें हमें डी की भी जरूरत पड़ती है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर तो इसे ए को समझने के लिए पहले हमें डी समझना जरूरी है तो आइए बात करते हैं डी की डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर अगर हम टाइप्स ऑफ डीएसी की बात करें तो दो तरह के डीएसी आपके होते हैं कौन कौन से बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप और दूसरा आपने कहा सर होता है आर टू आर लेडर टाइप तो एक हो गया बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप और दूसरा हो गया आपके पास आर टू आर आर टू आर लैडर टाइप सो जो सबसे पॉपुलर है उन दोनों के बारे में मैंने यहां पर लिख दिया जो हमें पढ़ना भी है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से, से सेशन को शेयर कर देना बेटा बड़ा मजेदार है ये सेशन बड़ा मजेदार है ये सेशन ठीक है ना हम्म अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना कहीं कुछ कट तो नहीं रहा है ना फुल व्यू है ठीक है विजिबिलिटी फुल है अब मेरी बात को ध्यान से सुनना हम लोग ना सबसे पहले कुछ कैरेक्ट्रिस्टिक्स की बात करते हैं डी की जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा रेजोल्यूशन की ठीक है so, सो चलो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जो हमारे कन्वर्टर्स में यूज होने वाला है इसमें सबसे पहला है रेजोल्यूशन अब ये रेजोल्यूशन क्या होता है सर रेजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज दैट वी कैन डिटेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट मतलब सर सपोज करो मैं तुमको ना स्केल दे देता हूं अब मैं तुमसे पूछता हूं इस स्केल का रेजोल्यूशन बता दो तो तुम बोलोगे सर अगर हम स्केल लिए हुए हैं और उसमें वन एम एम जो सबसे छोटा हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो उसका हम रेजोल्यूशन क्या कह देंगे वन एम एम अब ये क्या हो गया स्टेप साइज भी हो गया अब आपने कहा एक एम एम एक एम एम एक एम एम एक एम एम ऐसे करके जुड़ता जाएगा फिर आप उसको सेंटीमीटर में लिखोगे फिर आप बीच बीच में इंच लिखोगे मेरी बात समझ पाए और अगर बड़ा फीता होगा तो आप फुट भी लिखोगे हो सकता है कि जो फिट वाला फीता हो उसमें सीधे सेंटीमीटर से चालू हो रहा हो एम एम हो ही नहीं तो उसकी रेजोल्यूशन क्या हो जाएगी आपने बोला सर सेंटीमीटर हो जाएगी सो so, जनरली किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं बोलूँ तो रेजोल्यूशन की बड़ी सिंपल सी परिभाषा है परिभाषा यही है कि द स्मॉलेस्ट चेंज दैट वी कैन डिटेक्ट अब बात करते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में या डिजिटल सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो ये रेजोल्यूशन वर्ड क्या है यहां कन्वर्टर्स में रेजोल्यूशन वर्ड क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं ठीक है रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन ऑफ डीएसी इज द चेंज इन एनालॉग वोल्टेज करस्पोंडिंग टू द चेंज इन 1 बिट डिजिटल इनपुट रेजोल्यूशन इज द चेंज इन एनालॉग वोल्टेज करस्पोंडिंग टू द चेंज इन वन बिट इन डिजिटल इनपुट करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन वन बिट इन डिजिटल इनपुट ठीक है ना अब जैसे सपोज करो मैं ना आ, मैं ना रिप्रेजेंट करना चाहता था थ्री वोल्ट को ठीक है ना अब देखो अब मैं यहाँ पे सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन ये सब कुछ नहीं बता रहा क्योंकि आपको ये पता होगा बस सिंपल इंफॉर्मेशन के साथ हम डील कर जाते हैं ठीक है मेरी बात को समझना सिंपली आपने कहा सर सपोज करो मेरे पास ना थ्री वोल्ट्स है और हम ना थ्री वोल्ट है लेट अस सपोज हमारे पास थ्री वोल्ट है और मैं चाहता हूं ना इस थ्री वोल्ट के करस्पॉन्डिंग मैं चाहता हूं ना इस थ्री वोल्ट के करस्पॉन्डिंग आप डिजिटल डेटा शो करो सपोज करो ये एनालॉग डेटा है मैक्सिमम थ्री वोल्ट आपने कहा सर ठीक है हम मान लेते हैं सपोज करिए हमारे पास ये कोई सिग्नल है और इसका जो मैक्सिमम है वो है थ्री वोल्ट अब ये थ्री वोल्ट आपका मैक्सिमम है हम समझना चाहते हैं कि आप ना सर इसको डिजिटल डेटा में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते तो चलो इसको हमने क्या किया इसको हमने जो है वो सिंपल क्वांटाइजेशन के थ्रू देखा और आपने कहा सर मान लीजिए ये आपका जीरो वोल्ट है जीरो वोल्ट को आपने ना बाइनरी के टर्म में जीरो जीरो वोल्ट लिख दिया ठीक है ठीक है सर उसके बाद आपने कहा सर ये हमारी पहली स्टेप आई इस स्टेप को ना मैं वन वोल्ट लिख देता हूं इसको मैं जीरो वन लिख देता हूं बाइनरी में दो बिट के ठीक है फिर आपने कहा सर ये हमारे पास आया टू वोल्ट इसको आप लिख सकते हो सर इसको आप लिख सकते हो वन जीरो ठीक है फिर हम यहां पर लिख देते हैं थ्री वोल्ट ठीक है वन वोल्ट टू वोल्ट और थ्री वोल्ट तो चलो ये थ्री वोल्ट तक मैंने शो कर रखा है ये हो गया थ्री वोल्ट आपने कहा सर ये जीरो जीरो है जीरो वन है वन जीरो है और थ्री को आप क्या लिख रहे हो वन वन ठीक है सर ये आपने सर हम लोगों को ये कहा कि अगर सपोज करो हमारे पास थ्री वोल्ट है तो थ्री वोल्ट को ना मैं चार लेवल में शो करना चाहता हूं चार डिफरेंट लेवल में मैंने बांट दिया अब ये जो चार डिफरेंट लेवल में मैंने बांटा उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अब ये जो साइज है इसको बोलते हैं स्टेप साइज ठीक है, है ना जी सर तो अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि हमारा मान लीजिए हमारे पास इनपुट जो है वो जो टोटल वोल्टेज है वो हमारे पास तीन वोल्ट है तो तीन वोल्ट के लिए अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा आपने कहा सर यहां से ना थ्री वोल्ट के लिए रेजोल्यूशन का मतलब है द स्मॉलेस्ट दैट वी कैन डिटेक्ट तो या तो ये जीरो होगा या हमने क्या डिटेक्ट किया सीधे वन तो स्मॉलेस्ट क्या हुआ वन वोल्ट आपने बोला सर वन वोल्ट स्मॉलेस्ट है आपके इस जीरो वन के लिए यानी एक बिट के चेंज के करस्पॉन्डिंग जो एनालॉग वोल्टेज में चेंज हुआ वो एक वोल्ट का हुआ फिर एक बिट के चेंज के करस्पॉन्डिंग जो एनालॉग में वोल्टेज में चेंज हुआ वो एक वोल्ट का हुआ तो आपने कहा सर रेजोल्यूशन इसका क्या लिख दे हम रेजोल्यूशन लिख सकते हैं भाई तीन वोल्ट था आपने कहा सर तीन वोल्ट है है इसको कितने स्टेप्स में बांटा है आपने आपने बोला सर मैंने ना इसे टोटल चार स्टेप्स में बांटा है जिसमें ये वाला स्टेप जीरो लेवल पे पहले से ही ठीक है भाई तो आपने कहा सर इसको हम क्या लिख सकते हैं दो बिट में रिप्रेजेंट करना था तो आप इसको लिख सकते हो टू टू दावर टू माइनस वन आपने कहा सर ये हमारा क्या हो गया रेफरेंस वोल्टेज या आप कह सकते हो सर ये हमारा फुल स्केल वोल्टेज और टू की पावर एन एन क्या है सर एन हमारे पास है नंबर ऑफ बिट्स आपने दो बिट में रिप्रेजेंट कर रखा तो आपने कहा सर अगर दो बिट में तीन वोल्ट को मैं बांट रहा हूं तो रेजोल्यूशन आपको नजर आ रहा है आपने कहा थ्री बाय की पावर टू फोर माइनस थ्री मतलब फोर माइनस वन इज वन वोल्ट क्या मेरी बात समझ पाए यस yes, सर अब आपने कहा सर यही तीन वोल्ट को अगर मैं मान लो तीन बिट में रिप्रेजेंट कर रहा होता सो so, आप बोले सर ना जितना आप छोटे छोटे लेवल्स में बांटते चले जाओगे है ना जितना आप छोटे छोटे लेवल्स में बांटते जाओगे जितनी बढ़िया आपकी सैंपलिंग होगी एरर उतना ही कम आएगा क्यों क्योंकि सर ना तो मतलब संभव है वो रेजोल्यूशन जितनी है अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते तो जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एरर होती है दैट इज इक्वल टू रेजोल्यूशन यहां तक मेरी बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई हो मैं जनरलाइज कर देता हूं इसे सो so, जनरलाइज कर देता हूं कि स्टेप साइज या रेजोल्यूशन क्या है आपने बोला सर फॉर एन बिट फॉर एन बिट डी ए सी जनरल वे में एन बिट डी ए सी के लिए रेजोल्यूशन क्या डिफाइन किया जा सकता है आप बोलोगे सर रेजोल्यूशन हम डिफाइन कर सकते हैं एन बिट में दिखाने के लिए रेफरेंस वोल्टेज अपॉन टू टू दावर एन माइनस वन होल माइनस वन क्या मेरी बात क्लियर है अब आपने कहा सर मान लीजिए वोल्ट होता तो पांच वोल्ट का रेजोल्यूशन क्या होता आपने बोला पांच वोल्ट होता और पांच वोल्ट को अगर मान लो मैं चार बिट में या तीन बिट में रिप्रेजेंट करने वाला होता तो उसके हिसाब से मैं यहां पुट कर देता एंड वी हैव अ रेजोल्यूशन यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या यस सर सो द जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर अ स्टेप साइज और रेजोल्यूशन इज दिस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टेप साइज ये हमारा स्टेप साइज के नाम से भी जाना जाता है यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या बढ़िया तो मैंने स्टेप वाइज बना ही दिया बट सुनते जाइएगा बट जो हमारे पास एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं डिजिटल को एनालॉग के फॉर्मेट में वो है बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप और साथ ही साथ आर लैडर टाइप तो इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से होता है ये जनरल प्रोस्पेक्टिव है कि सर आप लेवल्स के हिसाब से बता रहे हो क्या मेरी बात क्लियर है अच्छा जी सर अगर हम जीरो जीरो लेवल को भी हम किसी चीज से दिखाने की कोशिश करते तो मे भी हम रेफरेंस बाई टू डी पावर एन भी लिख देते मेरी बात समझ पाए लेकिन हमने इसको क्या कह दिया हमने कहा ये तो जीरो लेवल पहले से ही है स्टेप साइज की बात करी तो एक स्टेप साइज का मतलब क्या हुआ इस से इस जाने में जो डिफरेंस है उस को हमने कहा resolution. Resolution क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है बढ़िया सर अगर हम बात करें तो फुल स्केल आउटपुट क्या होगा आपने बोला सर फुल स्केल आउटपुट की बात करते हैं तो फुल स्केल आउटपुट क्या होगा भाई आपने बोला फुल स्केल आउटपुट होगा रेजोल्यूशन इनटू मैक्सिमम वैल्यू है ना ऑफ द बाइनरी सो मैक्सिमम बाइनरी क्या हो जाएगा आपने कहा दो बिट के लिए ये वन वन है ठीक है भाई आपने कहा सर अगर मान लीजिए एन बिट का होता तो हम क्या लिखते टू टू पावर एन होल माइनस वन है ना ये आपका क्या आ जाता ये आप बोल देते सर टू टू पावर एन होल माइनस वन ये हमारा क्या होता डेसिमल इक्वी वैलेंट ऑफ दिस ठीक है इनटू रेजोल्यूशन सो रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्वी वैलेंट रेजोल्यूशन डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी डेटा हमारा आउटपुट देता है चलिए हम यहां पर एक छोटी सी बात लिख देते हैं क्या यहां पर पहले लिख देते हैं एनालॉग आउटपुट इज आउटपुट एनालॉग वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वस टू रेजोल्यूशन छोटे में लिख देता हूं इनटू डेसिमल इक्वी वैलेंट ऑफ बाइनरी डेटा अच्छा सर मतलब मैं अगर कहता आपसे कि जीरो 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 के वोल्टेज क्या है तो आप कहते जीरो जीरो का डेमल होगा into resolution वन वोल्ट होगा तो जीरो ही आ जाएगा अच्छा यहां पे वन लिख देता तो तब आप कह देते सर, decimal equivalent वन होगा रेजोल्यूशन आपने कहा सर, वन है तो वन वोल्ट आ जाता डेसिमल इक्विवेलेंट टू होता तो सर आपने कहा समझ में आए अब आपने कहा फुल स्केल की बात करते हैं तो फुल स्केल आउटपुट क्या होगा फुल स्केल आउटपुट क्या होगा अब फुल स्केल आउटपुट की अगर बात की जाए तो फुल स्केल आउटपुट क्या होता है आपने कहा सर ये मैक्सिमम आउटपुट एनालॉग वोल्टेज है जो कि तीन वोल्ट यहां दिख रहा है ये होगा कितना रेजोल्यूशन डेसिमल ऑफ द हाइएस्ट डेटा है ना सो so, आपने बोला सर रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन है वी रेफरेंस बाई टू टू दी पावर एन होल माइनस वन इन टू आपने इज

रेजोल्यूशन स्टेप साइज के टर्म में भी लिखा जाता है इसको हम लोग लिखते हैं परसेंटेज रेजोल्यूशन तो परसेंटेज रेजोल्यूशन क्या होगा आपने कहा सर स्टेप स्टेप साइज, साइज फुल स्केल आउटपुट लिख दो इनटू हंड्रेड कर दो क्यों भाई आपने कहा सर स्टेप साइज क्या होगा स्टेप साइज होगा वी रेफरेंस है ना वी रेफरेंस पावर एन होल माइनस वन जी सर फुल स्केल आउटपुट क्या होगा फुल स्केल आउटपुट हो जाएगा सर आपका हाँ जी वी रेफरेंस इन टू आपने कहा सर, क्या कर दू मैं हंड्रेड तो अगर आप पर, परसेंटेज रेगुलसेंटेज रे, वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कुछ और नहीं वन अपॉइन टू टू दी पावर एन होल माइनस वन इंटू हंड्रेड कर दें सो दैट इज योर परसेंटेज रेजोल्यूशन So, इसको मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज़ में शो किया जाता है और मैंने आपको यहां पर वही टर्म दिखाने की कोशिश की है क्या मेरी बात क्लियर है अरे बेटा मैं सब कुछ करा रहा हूं क्यों परेशान हो सुनते तो जाओ यहां तक आपकी बात सर रेजोल्यूशन वाली समझ में थोड़ी थोड़ी आई है ठीक है भाई सुनते जाना हमेशा एनालॉग आउटपुट वोल्टेज क्या होगा मैं यहां नोट पॉइंट करके लिख देता हूं क्या सर आउटपुट एनालॉग वोल्टेज इज इक्वस टू हमेशा होता है गेन इनटू डेसिमल या फिर आप लिख सकते हो गेन इनटू रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्वी वैलेंट ऑफ बाइनरी डेटा ये डी का मतलब है डेसिमल इक्वी वैलेंट ऑफ बाइनरी डेटा बस इतना याद रखना है आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ये वरुण सर का फॉर्मूला है क्या है भाई ये एक चीज याद रखिए सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बाकी आपको इंस्ट्रूमेंट्स याद रखने हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं डीएसी uh, डेटा है दिया हो कि मैं आपको दे देता हूं मैं ये नहीं बताता कि ये क्या है मैं बस आपको ये दे देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं रेजोल्यूशन फॉर अर बिट डीएसी अब ये नहीं बताया कि कौन सा डी ए सी बाइनरी वेटेड है या फिर मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि ये जो है वो आ, आपका आ, बाइनरी वेटेड है या फिर आपका जो है वो आर टू आर लेडर है ऐसे केस में बेस्ट टू गो विद स्टेप साइज रेजोल्यूशन फॉर्मूला एंड यू कैन गो बाई दैट दैट इज वन अपॉन्ट टू द पावर टू होल माइनस वन यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या बढ़िया सुनते जाओ सुनते जाओ यार बताऊंगा मैं ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो इसके लिए बने रहो लास्ट में 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 बताऊंगा ठीक है है अब अब मेरी बात बात को ध्यान से सुनना सर यहां तक आपकी थोड़ी-थोड़ी समझ में आई है। अब हम लोग सबसे पहले ना इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं जिसका पहला है इसे समझने के लिए थोड़ा सा दे देता हूँ so, Uh, मैं इसको नाम दे देता हूं ओपैम बेसिक्स ऑफ ओपैम्प ये क्या है सर ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिखा ठीक है ना बेसिक्स ऑफ ओपैम लिख देता हूं ऑपरेशनल एम्पलीफायर सो बेसिक्स ऑफ ओपैम की बात कर लेते हैं देखो दो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जिसकी जिसकी मुझे जरूरत है आप लोगों को पढ़ाने के लिए उसके बेसिक्स की बात कर लेते हैं आप लोग बड़ा डिटेल में जानते हो मुझे पता है बट मैं सिर्फ अपने हिसाब से आपको बेसिक बताऊंगा अगर आप डिटेल में नहीं जानते तो आपको इसके लिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिटेल में पढ़ना चाहिए सुनो तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टेड एम्पलीफायर की इन्वर्टेड एम्पलीफायर की सो so, अगर इन्वर्टेड एम्पलीफायर की बात की जाए तो इसमें क्या होता है हम जो सप्लाई देते हैं ना वो कहाँ दे देते हैं यहाँ पर और इसको क्या कर देते हैं हम इसको कर देते हैं ग्राउंडेड ठीक है सर बहुत ध्यान से सुनते जाना और ये हमारे पास जो है वो है आउटपुट वी नॉट ठीक है ना ठीक है सर तो ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसा लिख देता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगा ये ऊपर आपका

हम ये कह देते हैं कि अगर वोल्टेज यहां जीरो है तो यहां पर कोई आपका जो है वो वोल्टेज वही वाला वोल्टेज यहां भी मान लिया जाता है कि ओपन है ओपन में करंट नहीं बहती और हम ये कहते हैं कि ओपन सर्किट में करंट नहीं बहती और हम इसको यह भी कहते हैं कि इक्वल पोटेंशियल्स के अगर दो टर्मिनल हैं तो उनके बीच में करंट नहीं बहेगी तो इसी को हम क्या कह देते हैं कि यही वाले टर्मिनल का पोटेंशियल यहां भी एंड दैट इज वॉट वी कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड बेसिकली ये ओपन है बट ये ट्रीट कैसे किया जा रहा Virtual, ground है वर्चुअल ग्राउंड के रूप में सो अगर यहां पर जीरो वोल्ट है तो यहां पर भी हमने क्या कह दिया जीरो वोल्ट है अब यहां पे अगर जीरो वोल्ट है तो जो भी करंट यहां से आएगी वो पूरी की पूरी करंट यहां से पास हो जाएगी जी सर इसको आर नाम दे देता हूं यहां पर भी मैं एक रजिस्टेंस शो कर देता हूं तो गेन बढ़िया से नजर आ जाएगा इस रजिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं आर वन ठीक है बढ़िया सर अब आपने कहा सर यहां पर जो हमारी करंट है वो अगर मान लीजिए ये I1 है इस करंट को मैं आई एफ फॉरवर्ड करंट का नाम दे देता हूं तो हम क्या के लगा सकते हैं इस पॉइंट पे बिल्कुल इधर तो कोई करंट जा नहीं रही सम ऑफ अ करंट एट एनी नोड इज जीरो सो आपने कहा सर एक तो ये I1 हो गई ये I1 हो गई और इसके बराबर क्या होगी आई होगी क्योंकि आई ही आई है ठीक है तो के से सिंपली मैंने लिख दिया आपने कहा सर

और लोअर पोटेंशियल क्या है आउटपुट वोल्टेज अपॉन में आर एफ ठीक है ना यस सर यहाँ से आपने कहा सर अगर हम इनवर्टेड एम्पलीफायर की बात करें तो हमारा आउटपुट वोल्टेज वी नॉट माइनस में बाई आर एफ किसके बराबर है वी आई बाई आर वन के बराबर है यहां से वी आउट लिख सकते हैं माइनस ऑफ आर एफ बाई आर वन वी आई बहुत तगड़ा सर बड़ा आसान था ये क्या है सर इसको बोलते हैं गेन ये क्या है सर इसको बोलते हैं गेन बेसिकली इसको गेन बोलिए आप क्योंकि गेन वैल्यू जो है वो तो हमेशा मांगनी है तो मैं यहां पर गेन ऐसे दिखाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे ये है गेन ये क्या कर रहा है सर फेज शिफ्ट और ये क्या है इनपुट सो इनपुट को ये आरएफ के टर्म में क्या कर रहा है आपने बोला सर एम्पलीफाई कर रहा है बढ़िया ये हमारे पास हो गया इन्वर्टेड एम्पलीफायर डिजिटल में जब तक आपसे कहा नहीं जाएगा तब तक आप एम्पलीफायर को आइडियल मानिएगा ठीक है और उसके लिए सिंपली आपको गेन का पता है दूसरा एक हमारे पास होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की जरूरत मुझे पड़ेगी उसके बारे में लिख देता हूं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मैं सीधे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं बाकी आपको सब पता है ठीक है माइनस हो गया प्लस हो गया यहां पर हम लोगों ने यहां पर जो है इसे क्या कर दिया ग्राउंडेड कर दिया आर वन लगा दिया ये हमारे पास हो गया आर एफ और आउटपुट वोल्टेज हो गया नॉट। मुझे बताइएगा भाई क्या हुआ बेटा क्या लिख रहे हो यहां पे अभिनव क्या हो गया बेटा अभिनव क्या लिख रहे हो ये, ये बेटा मैं समझ नहीं पाया वॉट हैपन्स बेटा जी हम्म तो जरा ध्यान से देखते जाइएगा हाँ जी सर यहां पर मान लीजिए हमने इनपुट वोल्टेज लगा दिया अब इस केस में ये आर एफ है अगर और ये आपका आर वन है तो आउटपुट वोल्टेज वी आउट के लिए सर हम क्या लिख सकते हैं अब आउटपुट वोल्टेज वी आउट के लिए आप क्या लिख सकते हो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए V उ इज टू वन प्लस जी सर तो चलो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है बाकी डिटेलिंग आप लोग इसकी पढ़ते रहिएगा एक मुझे आवश्यकता है इंटीग्रेटर की सो इंटीग्रेटर इंडक्टर का यूज करके भी बना सकते हैं कैपेसिटर का भी यूज करके बना सकते हैं पर मैं हमेशा कहूंगा कैपेसिटर का यूज करके बनाइए क्योंकि हमारी जो डिजिटल सर्किटरी होती है उसमें इंडक्टर नहीं लगाया जा सकता अगर इंडक्टिव इफेक्ट पाना भी होता है तो जयरेटर नाम का डिवाइस लगाते हैं जिसमें कैपेसिटर लगा के इंपीडेंस इन्वर्जन हमें प्राप्त होता है सो हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटर की सो इंटीग्रेटर कैसा होता है भाई अगर हम इंटीग्रेटर की बात करें तो इंटीग्रेटर कैसा होता है सर इंटीग्रेटर के, के केस में यह मैं आपको दिखा देता हूं कैपेसिटर के साथ में ये हो गया आपके पास एक इंटीग्रेटर ठीक है ना जी सर सो यह हो गया हमारा रेजिस्टेंस आर वन इनपुट वी आई माइनस प्लस ग्राउंडेड वी आउट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये समझ नहीं आ रहा होगा सर आप इस पार्ट को क्यों बता रहे हो बिकॉज मुझे इसकी जरूरत है ठीक है तो ये तीन तरह के मुझे बेसिक की आवश्यकता थी तो एटलीस्ट जब मैं वहां बनाऊंगा तो आप मुझसे नहीं पूछोगे ठीक है so, सो चलो सर यहां पे वी आउट आपका क्या कहलाएगा दिस इज वन बाय आर वन सी इंटीग्रल ऑफ वी आई टी डी टी ठीक है ना यस सर सो नाउ वी हैव अ इंटीग्रेटर ऑल्सो यहां तक मेरी बात क्लियर है बढ़िया लॉजिक फैमिलीज डिजिटल में अब नहीं है गेट में ठीक है आप पूछ लें तो हम नहीं कुछ कह सकते लेकिन आपके उम्मीद बैच में तो नहीं पढ़ाया जा सकता ठीक है क्योंकि इतना टाइम नहीं है मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच किया हूं अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप की बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप हां जी बेटा डी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सो बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में क्या होता है जैसे मान लो मैं चार बिट का ले लेता हूं ताकि तुम्हें समझा सकूं सीधे एप्लीकेशन पे आ जाते हैं इसके ठीक है एप्लीकेशन में ही समझ ले देखो ये हमारे पास होता है रेफरेंस वोल्टेज ठीक है ठीक है सर ये हमारा हो गया आउटपुट ठीक है सर जरा ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना ठीक है रेफरेंस हो गया रेफरेंस के बाद यहाँ पर ना मैं एक आ, आ, आपको दे देता हूँ रजिस्टर्स ये रजिस्टर्स के वेटेज जो है उसके हिसाब से बाइनरी डिसाइड की जाएगी कि एल क्या है और एम क्या है अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हैं एज अ स्विच यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हैं एज अ स्विच ठीक है सर बहुत ध्यान से देखिएगा और ये सारे उठा के मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ जिससे मैं जोड़ देता हूँ एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ठीक है सर और यहाँ से उठा के मैं ये आपका आउटपुट में शो कर देता हूँ इसे मैं आर का नाम दे देता हूं ये है हमारा आर ये है हमारा टू आर ये हमारा फोर आर और यह हमारा एट आर चार का बनाया हूं थोड़ा ध्यान से देखिएगा अब देखिए यहां पर जो हमारा डेटा है ना वो बाइनरी डेटा के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ स्विच की तरह काम करेगी तो भाई हम सबको पता कि बाइनरी डेटा के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यहाँ स्विच की तरह काम करेगी तो यानी कह सकता हूं मैं कि अगर बाइनरी डेटा अगर जीरो होगा तो मैं बोलूंगा स्विच यहां कनेक्ट नहीं होगी और अगर वन होगा तो स्विच यहां कनेक्ट हो जाएगी बस इतना ही जीरो होगा तो स्विच खुली है और वन है तो स्विच आपकी कनेक्ट हो जाए ऐसी डिवाइसेज यहां यूज की गई ठीक है सर सबसे पहले हम बाइनरी डेटा को यहां रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस को देख के हमें पता चलेगा एलएसबी कौन सा है और एमएसबी कौन सा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर एल और एमएसबी रेजिस्टेंस के बीच में एक लिंक है वो ये है कि एल एस बी रेस्टेंस इज इक्व टू 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 दावर एन माइनस वन रेजिस्टेंस क्या लिखे सर एल एस बी और एमएसबी को पता कैसे लगाया एल एस बी रजिस्टेंस इज इक्वस टू 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 दावर एन माइनस वन टाइम्स ऑफ एम एस बी रजिस्टेंस ये क्या है सर मतलब अगर चार बिट है तो टू की पावर फोर ये हो जाएगा कितना बेटा की पावर फोर सिक्सटीन हो जाएगा पर नहीं चार बिट है तो टू की पावर फोर तो माइनस yes, so, ना वो एल एस बी बिट होगा बी तो वन यहां बी टू और यहां बी थ्री लिख देता हूं बहुत तगड़ा सर बहुत तगड़ा ठीक है सुनते जाना बहुत बहुत तगड़ा सर अब आपने कहा सर हम हम यहां पर अगर देखते हैं तो जो भी डेटा होगा जैसे B3 थ्री वन होगा तो ये इससे वन से कनेक्ट होगा और अगर जीरो हुआ B3 तो ये ओपन छूट जाएगा कुछ लोग कहते हैं इसे ग्राउंड कर देंगे मैं कहता हूं ओपन छोड़ देंगे ठीक है आपको ग्राउंड करना है ग्राउंड कर दीजिए उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं यू कैन यूज हियर ग्राउंड ऑल्सो और यू कैन जस्ट इट ओपन इट नाउ प्लीज सी नाउ प्लीज सी आपने कहा सर जो वोल्टेज रेफरेंस है वो यहां पर मान लीजिए अगर लगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो सेम पोटेंशियल पे है ये जीरो है तो ये जीरो है अगर ये जीरो है तो यहां रेफरेंस डिवाइडेड बाय आर जो है यहां करंट जाएगी जी तो ये जो आपका बी थ्री लिखा हूं यहां पर जो करंट जाएगी उसको मैं नाम दे देता हूं आई थ्री यहां जो करंट जाएगी उसको नाम दे देता हूं आई टू यहां जो करंट जाएगी उसको नाम दे देता हूं आई वन यहां जो करंट जाएगी उसको नाम दे देता हूं आई जीरो अब आपने कहा ये सभी करंट का सम यहां आएगा और यही करंट आई एफ यहाँ चली जाएगी हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये ये हमारा हमारा जो जो इन्वर्टर है ये हमारा जो है एम्पलीफायर वो आइडियल ठीक है सो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा आपने बोला सर यहां पे करंट प्लस माइनस तो यहां जो आउटपुट वोल्टेज है वो ये नेगेटिव वाला वोल्टेज ही यहां दिखाई देगा माइनस ऑफ आई एफ इंटू आर एफ हमें आउटपुट वोल्टेज नजर आएगा बढ़िया आपने कहा सर यहां पर ना सबसे पहले मैं ये वाली करंट आई को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं यह करंट आई कितनी हो जाएगी आपने कहा आई थ्री प्लस आई टू प्लस आई वन प्लस आई जीरो अच्छा जी अब यह आई थ्री कितनी है आई थ्री है सर रेफरेंस वोल्टेज बाई आर इंटू बी थ्री क्यों भाई क्योंकि बाइनरी डेटा पर निर्भर करेगा कि ये करंट होगी भी कि नहीं होगी अगर बाइनरी डेटा जीरो होगा तो ये करंट होगी नहीं क्योंकि ये तो हो। yes, ऐसे ही आपने कहा, हम लिख सकते हैंज बाई टू आर बी टू प्लस रेफरेंस वोल्टेज बाई फोर आर बी थ्री प्लस रेफरेंस वोल्टेज बाय बी वन प्लस रेफरेंस वोल्टेज बाय एट आर बी जीरो बहुत तगड़ा सर आपने कहा सर यहां से अगर हम देखते हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा आई एम होपिंग ओके प्लीज जस्ट मेक अ थम सर अच्छा खासा करियर चल रहा था क्या लिख रहे हो यार पता नहीं तुम लोग अजीब बात करते हो ओहो तुम यार इस चक्कर में ना पढ़ो तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है हमको हमारा तुम हमारे लिए मत परेशान रहो ठीक है ना हम बहुत खुश हैं तुम हमारे लिए परेशान मत हो बेटा अब ये तुमको डिसाइड करना है हम तो वही हम थोड़ी बदल गए ऐसे तो तुम हमसे बोलोगे कि नहीं नहीं सर आप हमारे घर पे आके पढ़ाते थे तभी अच्छे थे अब आप हमारे घर पे नहीं पढ़ाते तो अच्छे थोड़ी हो ऐसा थोड़ी होता है अबे हम तो वही हैं इसमें मतलब हमारे में क्या अंतर आया ठीक है तो फालतू बात मत लिखो ठीक है यहां देखो जरा तुमने कहा सर आई इज इक्वस टू ये वैल्यू आ रही है अब यही वैल्यू को जरा ध्यान से देखिएगा आपने कहा आई क्या हो जाएगा रेफरेंस रेफरेंस वोल्टेज बाय जरा ध्यान देना बेटा मैं एट आर कॉमन ले लेता हूं मैं एट आर कॉमन ले लेता हूं ठीक है सर सो अब ये क्या हो जाएगा जब मैं एट आर कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा एट बी थ्री प्लस फोर बी टू प्लस टू बी वन प्लस टू की पावर जीरो बी जीरो बहुत तगड़ा सर ये क्या लिखा हुआ है सर जरा ध्यान दीजिएगा आपने कहा सर ये लिखा हुआ है रेफरेंस बाय टू टू पावर थ्री टू टू दावर थ्री इंटू आर यही लिखा हुआ है हाँ जी सर ये यही लिखा हुआ है इंटू ये क्या लिखा हुआ है सर ये लिखा है डेसिमल ऑफ बाइनरी डेटा डेसिमल ऑफ बाइनरी डेटा यहां मैं कह सकता हूं टू की पावर आई बी आई है ना हाँ जी सर ये कुछ और थोड़ी लिखा है डेसिमल इक्वी वैलेंट ऑफ बाइनरी डेटा यही तो लिखते हो तो बढ़िया सर अब आपने कहा सर हम अगर आउटपुट वोल्टेज देखें तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा वी आउट हो जाएगा माइनस ऑफ आई एफ इंटू आर एफ क्या मेरे पास आई एफ है हाँ सर जो आई है वही आई एफ है क्यों भाई क्योंकि सर हम इन्वर्टेड एम्पलीफायर करंट यहां जा रही बढ़िया इस हिसाब से आपने बोला सर ये आई एफ इंटू आर एफ हो जाएगा So, अगर आप आउटपुट वोल्टेज देखते हो तो आपको नजर आएगा माइनस ऑफ आर एफ बाई आर इंटू में रेफरेंस वोल्टेज बाय टू की पावर फोर होल टू की पावर फोर माइनस वन अब देखो अंतर है यहां पर बहुत ध्यान से देखना यस yes, सर और क्या लिखेंगे सर इसे इसे लिखेंगे समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन टू की पावर आई बी आई ये क्या है सर ये लिखा हुआ है एन बिट के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला अब हमको रखना बड़ा आसान है फॉर एन बिट अगर बिट का डिजिटल टू एनालॉग बाइनरी वेटेड टाइप है तो आउटपुट वोल्टेज एनालॉग वोल्टेज क्या होगा माइनस ऑफ आर एफ बाई आर इन टू ये सर लिखा है रेफरेंस वोल्टेज बाय टू टू दावर एन माइनस वन पूरा पावर में है इन टू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डेटा आई इज इक्व टू जीरो टू एन माइनस वन टू की पावर आई बी आई मतलब सर आपका वाला जो फॉर्मूला है ये वही लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है गेन इनटू रेजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डेटा अब यहां अगर इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए यानी कि बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो इसके लिए रेजोल्यूशन क्या डिफाइन है आपने बोला रेजोल्यूशन फॉर डी रेजोल्यूशन फॉर बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप डीएसी क्या है टू टू पावर एन माइनस वन होल पूरा ऊपर ही क्या मेरी बात समझ पाए यस yes, सर So, यहां पे अब आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन करना हो गया बहुत आसान जनरली क्या होता है यहाँ पर आपको जो डेटा दिया गया है वो डेटा किसी काउंटर या आपको शिफ्ट रजिस्टर द्वारा दे दिया जाता है और ये जो आउटपुट है वो एनालॉग वोल्टेज के फॉर्मेट में आपको मिलता चला जाता है क्या मेरी बात समझ पाए हाँ जी बोलिएगा हम्म क्या ये समझ में आया है बोलिए बेटा प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या आपको ये समझ में आया है मुझे नहीं पता बेटा मेरे से ऐसे क्वेश्चंस का जवाब मत मांगो, जिसका जवाब मेरे पास है ही नहीं आई डोंट नो आई डोंट नो यहाँ तक मेरी बात क्लियर है क्या बहुत अच्छा सर सर ऐसा दिमाग में बैठा है कि भूलेंगे ही नहीं सपोज करिए क्वेश्चन आपको दे देता हूँ क्वेश्चन क्या दे देता हूँ क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है फॉर अ डिजिटल इनपुट ऑफ वन जीरो वन जीरो फॉर अ डिजिटल इनपुट ऑफ वन जीरो वन जीरो फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालॉग आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम अ फोर बिट बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप डी ए सी हैविंग आर एफ इक्वस टू आर इज इक्वस टू वन हैविंग आर एफ इज इक्वस टू आर इज इक्वस टू वन यूनिट अब यह किलो हो सकता है ठीक है इज इज टू टू यूनिट दे दिया है और फुल स्केल वोल्टेज आपको मेंशन है फाइव वोल्ट ठीक है ना बाइनरी डेटा मैंने क्या कहा आपने बोला सर बाइनरी डेटा है आपके पास हाँ जी बाइनरी डेटा है आपके पास वन जीरो वन जीरो अब ये बाइनरी लिखी किसकी है सर टेन की ये टेन की बाइनरी लिखी हुई है ठीक है अच्छा यहां पर कैसे लगाएं सर एमएसबी और एलएसबी का ध्यान देते हुए अब आपने कहा सर एमएसबी और एलएसबी का ध्यान देते हुए सो so इस हिसाब से ये क्या लिखा हुआ है सर ये वाला हाई है मतलब वन है ये वाला लो है मतलब ग्राउंडेड है ये वाला हाई है मतलब वन है, मतलब है ये वाला लो है मतलब ग्राउंडेड है तो ये क्या हो गया सर i3 और i1 बचेगा i2 और i0 0 हो जाएगा बढ़िया आई टू और आई जीरो आई टू और आई जीरो सर ये बहुत आसान हो गया अगर हम सीधे फॉर्मूला यूज कर लेते तो इस क्वेश्चन का हमारे लिए आंसर होता वी आउट इज इक्वस टू माइनस ऑफ आर एफ बाई आर गेन वन हो गया रेफरेंस वोल्टेज फुल स्केल फाइव आपको दिया हुआ है टू टू दी पावर चार बिट आपको नजर आ रहा है तो फोर माइनस वन आया हुआ क्वेश्चन है सॉल्व तो yes, हुआ क्या आपने कहा सर हम हमेशा के लिए याद रखेंगे गेन इंटू रेजोल्यूशन इंटू डेसिमल इक्वी वैलेंट ऑफ बाइनरी डेटा एक और बात का अगर ध्यान से देखा जाए तो रेजोल्यूशन का मल्टीप्लीकेशन हर बाइनरी डेटा में होता है यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को अगर आप रेजोल्यूशन से मल्टीप्लाई करो तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के करस्पॉन्डिंग जो एनालॉग वोल्टेज है वही रिप्रेजेंट करता है आपको सीधे रेजोल्यूशन बढ़िया से सो यहां पर आपने कहा सर ये हमारे पास माइनस में 6.25 पॉइंट आ रहा है क्या ये समझ में आया अच्छे से बढ़िया आपने कहा सर एक तो ये हो गया ये क्या है सर ये है बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप डी अब हम बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप डी में कभी भूलेंगे ही नहीं बस हमको क्या याद रखना है गेन हमको क्या याद रखना है यहाँ बाइनरी वेटेड रजिस्टर में रजिस्टर के वेटेज के हिसाब से एल और एम जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वो आपका एल एस बी यूनिट कहलाएगा और नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट कहलाएगा बस काम खत्म क्या ये समझ में आया <coughs> बहुत बढ़िया यहां तक आपको समझ में मेरे हिसाब से अच्छे से आ गया होगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं तो बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप में समस्या क्या है और उस समस्या का निदान कैसे होगा समस्या ये है बेटा कि जैसे जैसे आप बाइनरी डेटा यहाँ बदलोगे ना इनपुट इंपिडेंस बदल जाएगा और जो करंट है उसकी डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे नजर आएगी यानी यहाँ से जो रेफरेंस से जो करंट चलने वाली है वही बदल जाने वाली है ठीक है ना सो so इस वजह से एरर आने की संभावना बढ़ जाती है एक्यूरेसी कम रहती है क्योंकि डिफरेंट इनपुट रेजिस्टेंस होने की वजह से एट डिफरेंट बाइनरी डेटा अप्लाइड डिफरेंट इनपुट रेजिस्टेंस होता है तो डिफरेंट करंट आपकी नजर आएगी जिसकी वजह से यहां पर एक्यूरेसी की प्रॉब्लम बनी रहेगी इसको दूर करने का एक तरीका है क्या तरीका है सर कि हम ना इस वाले रजिस्टर का यूज ही ना करें मतलब इस वाले डी का यूज ही ना करें तो क्या करें सर दूसरा वाला यूज करें उसके में हम क्या करेंगे इम्पिडेंस इनपुट वैरी ना हो इसको बोलते हैं हम लोग हाँ जी इसको बोलते हैं हम लोग हाँ जी यार मैं मतलब ना इतना आ... अभी चूंकि कोरोना चल रहा है आप सबको पता मतलब काल तो वही है अभी तो अब बदला नहीं है अब धीमे धीमे खत्म होने की कगार पे आ रहा है बट नहीं मैं मैं ठीक हूं मेरे को हो गया मैं ठीक हो गया तो मैं ठीक हूँ है ना फिर भी मैं मतलब इत्याद बरतता हूँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ तो क्या है कि मैं हूं बड़ा मतलब तो क्या लेज़ी टाइप का इंसान मोटा भी हूँ दिख ही रहा होगा तो लेजी भी बहुत हूँ तो क्या है कि मैं इतना लेजी हूं कि मैं कई बार सेल चार्जिंग में लगाना भी भूल जाता हूं इस वजह से ये वाला इशू आ जाता है बट मैं आगे से ध्यान रखूंगा रिपीट कर दे रहा हूं रिपीट कर दे रहा हूं ठीक है <laughs> चलो अभी ठीक है ठीक है देखो आर टू आर लेडर टाइप में आर और टू आर की होती है सीढ़ियां ठीक है ना अब ये आर टू आर की सीढ़ियां हैं यहां पर आपको जो दिखा रखा है वो क्या है सर ये आपका जो है वो बाइनरी डेटा पे ये स्विच निर्भर करेगा ठीक है अब आपने कहा सर यहां पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और हमारा हो गया आर अब देखो जरा यहां पर मैं यहां से ना बाइनरी डेटा शो करता हूं सबसे पहले हमें एमएसबी और एलएसबी डिटेक्ट करना होगा ठीक है तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है जहां भी आप 2R और 2R एक साथ देख रहे होंगे और लास्ट वाला 2R आर ग्राउंडेड के फॉर्मेट में नजर आ रहा हो ये आप बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये हो जाएगा B0 ये हो जाएगा B1 ये हो जाएगा B2 और इसी तरह से आप नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे ये हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को अगर समझ नहीं पाएंगे तो दस और पांच में अंतर ही नहीं समझ आएगा तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना ठीक है ना अब देखिए जरा आपने कहा सर सबसे पहले हम हम और टू आर जहां लगा हुआ है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का नाम दे दिए अब देखो बी नॉट अगर वन होगा तो क्या होगा ये इससे कनेक्ट होगा भाई ये ग्राउंडेड है तो एक तरह से आपने बोला सर यहां वोल्टेज जीरो ही आएगा ठीक है और अगर बी नॉट जीरो होगा तो आपने बोला सर उस कंडीशन में ये वाला आपका क्या हो जाएगा ग्राउंडेड तो इसको मैं यहां पर दिखाता हूं थोड़ा गड़बड़ बना दिया हूं फिर से बना देता हूं थोड़ा गड़बड़ बना दिया क्या गड़बड़ बना दिया हूं ये इधर स्विच बनाने के बजाय मुझे इधर स्विच बनाना चाहिए था थोड़ा गड़बड़ बना दिया ये स्विच यहां बनाना चाहिए मुझे ठीक है ना अच्छा सर इसमें क्या अंतर हुआ सर अंतर यह हुआ बेटा कि बाकी सब ठीक है अब आपने कहा सर अगर b जैसे b नॉट अगर जीरो है तो ये 2r आर यहां जीरो से कनेक्ट हो जाएगा और b नॉट अगर वन है तो ये 2r आर यहां कनेक्ट हो जाएगा तब भी रहेगा ग्राउंडेड ये यहां पे कनेक्ट होगा तब भी ग्राउंडेड है b1 अगर जीरो हुआ तो और b1 अगर वन हुआ और ये इससे कनेक्ट हुआ तब भी ये आप बोलोगे सर ग्राउंडेड है ठीक है अब बहुत ध्यान से देखो आपने बोला सर इसका मतलब ये सर्किट हमेशा कंप्लीट रहने वाली है चाहे बी b0 जीरो हो या 1 b1 जीरो हो या 1 b2 जीरो हो या 1 b3 जीरो हो या वन। तो जो करंट यहां से चलेगी उसे i मान लेते हैं अब आपने कहा सर जरा ध्यान से देखते हैं ये 2r और 2r नजर आ रहा है अगर 2r और 2r पैरेलल में देखा जाए तो आप बोलोगे r है r r सीरीज में 2r है 2r और 2r पैरेलल में r है r r सीरीज में 2r है 2r और 2r पैरेलल में r है आर प्लस आर सीरीज में टू आर है टू आर और टू आर पैरल में आर है मतलब रेजिस्टेंस यहां पर इनपुट में आर ही दिखाई देना है इट डजेंट मैटर कि आपका जो है इनपुट जो है वो क्या है बाइनरी डेटा ठीक सो ये आई क्या हो जाएगा आपने बोला रेफरेंस बाई आर ठीक अब ये जो हमारी आई है ना उसको यहां पर दो इक्वल इंपीडेंस पाथ नजर आ रहे क्यों भाई 2r और 2r पैरेलल में आर है आर प्लस आर टू आर है टू आर ऑर टू आर पैर टू आर ऑर टू आर पैर तो यहां पर 2r और यहां पर 2r आर इंपीडेंस नजर आ रहा है करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी i बाई टू और i बाई टू में फिर ये i बाई टू यहां आके फिर से इसको इक्वल इंपीडेंस पाथ दिख रहा है तो करंट यहां डिवाइड हो जाएगी i बाई फोर आई बाई फोर में फिर यहां पर आके करंट को फिर से इक्वली डिवाइड हो जाएगी आई बाई एट आई बाई एट यहां पर करंट आके फिर डिवाइड हो जाएगी आपने बोला आई बाई सिक्सटीन और आई बाई सिक्सटीन बहुत तगड़ा अब ये जो करंट यहां पर आ रही है वो यहां पहुंचेगी या नहीं यहां की टोटल करंट को आई नाम दे देता हूं यहां जो करंट होगी उसे मैं आई एफ नाम दे देता हूं आउटपुट क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आर एफ इंटू आई एफ क्योंकि जो होगा, वो ऐसा होगा, और यही पोटेंशियल यहां नजर आएगी बढ़िया आपने कहा सर इसका मतलब आई एफ कितना होना है आई एफ कितना होना है आई एफ होना है आपने बोला आई एफ होना है आई बाई टू इंटू बी थ्री प्लस ऑफ आई बाई फोर इंटू बी वन प्लस ऑफ है ना यस सर यहां की करंट यहां की करंट यहां की करंट और यहां की करंट ऐड कर रहा हूं आपने बोला सर आई बाई टू इंटू बी थ्री आई बाई टू इंटू बी थ्री प्लस ऑफ आई बाई फोर अब यहां आएगी या ग्राउंड हो जाएगी तो आपने बोला आई बाई फोर इंटू बी वन बी वन पर बी टू निर्भर करेगा बी टू है ये आई बाई फोर इंटू बी टू प्लस ऑफ आई बाई एट इन टू बी थ्री प्लस ऑफ आई बाई सिक्सटीन इन सॉरी ये बी वन है ये बी वन है और ये बी जीरो बहुत तगड़ा सर इसको क्या लिख सकता हूं मैं एक काम करते हैं यार I को बाहर ही निकाल लेते हैं और 16 को बाहर निकाल लेते हैं सो so, ये क्या हो जाएगा एट बी थ्री प्लस ऑफ फोर बी टू प्लस ऑफ टू बी वन प्लस ऑफ टू की पावर जीरो बी जीरो बहुत तगड़ा सर ये क्या है सर ये है आई एफ नजर आ रहा है क्या अच्छा अब ये करंट आई एफ जो है इसके हिसाब से आउटपुट वोल्टेज क्या होगा आपने कहा सर बहुत आसान है आउटपुट वोल्टेज वी आउट आपका हो जाएगा हाँ जी बेटा माइनस ऑफ आर एफ इन टू आई आई कितना था सर अगर ये रेजिस्टेंस आर है तो आई था वी रेफरेंस बाई आर इेस्पेक्टिव की बाइनरी डेटा क्या लगा है जी सर सो so, आप इस आई को लिख सकते हो सर वी रेफरेंस बाई आर इंटू वन बाय टू टू पावर फोर लिख सकते हो इंटू ये आप लिख सकते हो समेशन ऑफ आईव टू जीरो टू एन माइनस वन टू की पावर आई बी आई ये क्या लिखे हो सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम क्या लिखे हैं हम लिखे हैं आउटपुट इन केस ऑफ आर टू आर लेडर टाइप डी ए सी इज माइनस ऑफ आर एफ बाई आर ये कुछ और थोड़ी है गेन है रेफरेंस वोल्टेज बाय टू टू पावर एन बिट के लिए लिख रहा हूं फॉर एन बिट आपने कहा एन बिट के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू की पावर एन अरे सर इस इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन वी रेफरेंस बाय टू की पावर एन है तो आर टू आर ग्लेडर टाइप रजिस्टर अगर मैंशन होगा तो उसका रेजोल्यूशन अगर पूछता है तो वी रेफरेंस बाई टू दावर एन है फिर सर ये क्या है डेसिमल इक्वी वैलेंट ऑफ बाइनरी डेटा क्या मेरी बात समझ पाए यस yes, सर यहां पर मैं लिखा हूं I इज इक्वस टू फोर माइनस वन ताकि आप ना इसको कंपेयर कर पाओगे यहां लिखा हूं n माइनस वन क्या मेरी बात समझ पाए यस yes, सर बोलना भाई तो ये क्या लिखा हुआ है सर वही आप वाला फॉर्मूला आप वाला फॉर्मूला मतलब गेन है रेजोल्यूशन है इनटू इक्वी वैलेंट ऑफ बाइनरी डेटा लिखा हुआ है सर और कुछ थोड़ी लिखा हुआ है सो so, हर बार बात यही है आर टू आर के लिए हम रेजोल्यूशन का फॉर्मूला याद रखेंगे हाँ जी लेडर कैसे बना ये बता दो अरे भाई यार ये लेडर दिख रहा है ये लेडर दिख रहा है हाँ जी जितने टू आर वाले हैं वो लेडर की स्टेप्स हैं ठीक है ना और ये जितना आर है वो सपोर्ट है लास्ट में जहाँ टू आर और टू आर नज़र आ जाए उससे एल लेना ठीक है और यहीं से तुम्हारी काउंटिंग स्टार्ट करना टू आर और टू आर किसी भी नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो टू और टू आर का आर सीरीज में आर और आर टू आर। ऐसे करते हुए देखोगे तो हमेशा रेजिस्टेंस आर दिखेगा चूंकि ये वाला या तो जीरो होने पे ग्राउंड हो जाना है और वन होने पे यहां भी ग्राउंड ही तो है तो ग्राउंड ही हो जाना है ठीक है आपकी बात समझ में आई है हमेशा सर्किट में बना हुआ है सो इर ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स इर ऑफ द इनपुट डेटा अप्लाइड ऑलवेज योर आउटपुट वोल्ट आउट इनपुट इंपीडेंस विल रिमेन सेम एंड दैट इज द एडवांटेज ऑफ आर टू आर लेडर क्या ये समझ में आया है बहुत बढ़िया से सर चलो बोलो भाई अरे बेटा एस एफ ए क्या लिख पूछ रहे तुम एफ एस एम है बेटा तुम्हारे सिलेबस में बट तुम्हें अब अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ छोड़ दो परेशान ना हो सिलेबस में अब प्रॉपरली डिफाइन नहीं है ठीक है क्या बढ़िया सर अगर यही मान लो इन्वर्टेड इन्वर्टेड लेटर टाइप दिया हो तो नॉन इन्वर्टेड नॉन इन्वर्टेड टाइप नॉन इन्वर्टेड लेडर टाइप दिया हो तो नॉन इन्वर्टेड लेडर टाइप दिया हो तो सर नॉन इन्वर्टेड लेडर टाइप के केस में कुछ दिक्कत नहीं है ध्यान से देखिएगा ये हमारे पास हो गया क्या चीज एम्पलीफायर ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस आर वन और ये हो गया हमारे पास आर एफ बढ़िया जी सर यहाँ पे हम दिखा देते हैं आर टू आर आर टू आर आर टू आर टू आर ये मैं तीन बिट का बना के दिखा देता हूँ सो ये तीन बिट का मैंने बनाया है नॉन इन्वर्टेड लेडर टाइप डी ए सी नॉन इन्वर्टेड लेडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बहुत तगड़ा सर अब आपने कहा सर यहाँ पर ये आपका टू आर आर टू आर सॉरी टू आर आर टू आर आर टू आर ठीक है यहाँ हमारे पास बाइनरी डेटा लगाने की फैसिलिटी है ठीक है सर ये हमारे पास हो गया रेफरेंस वोल्टेज और सर ये या तो उठ के कनेक्ट होगा इससे या जीरो से या तो उठ के कनेक्ट होगा इससे या जीरो से बढ़िया यस yes, सर तो ये आपने कहा सर या तो उठ के कनेक्ट होगा इससे या जीरो से ठीक है ना जी सर सो so, आपने बोला सर यहां पर जो वोल्टेज आएगा उसको वी एक्स नाम दे दिया जाए तो वी एक्स अभी भी क्या हो जाएगा वी एक्स आपका हो जाएगा वी रेफरेंस बाय टू टू दावर एन इंटू डेसिमल इक्वी वैलेंट ऑफ बाइनरी डेटा फॉर एन बिट फॉर एन बिट अगर लिखे फॉर एन बिट अगर लिखे तो हमने उसी तरह से जैसे पहले निकाला वो निकाल देते हैं यहां पर जहां टू आर और टू आर एक साथ होगा उसे एल एस बी का नाम दीजिएगा यहां एल एस बी और MSB सब कुछ है सो ये एल एस बी हो गया आपने बोला बी जीरो हो गया बी वन ये हो गया बी टू ठीक है क्या यस yes, सर अब अगर बी जीरो जीरो है तो ये ग्राउंड हो जाएगा बी जीरो वन है तो ये रेफरेंस से कनेक्ट हो जाएगा बस इतना है सिमिलरली फॉर बी वन एंड सिमिलरली फॉर बी टू सो आई इज इक्वल टू जीरो पावर एन टू टू दावर आई बी आई यस सर सो इस केस में आपने बोला सर Vx एक्स का अगर पता है तो हमें पता है आउटपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा जी बेटा इसको क्या बोलेंगे पावर आई बी आई फिर से मैंने वही बात लिख दी गेन इंटू रेजोल्यूशन इंटू डेमलट ऑफ बाइनरी डेटा गेन इंटू रेजोल्यूशन इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डेटा काम खत्म हर बार बस हमको यही याद रखना है यानी अब हमारे अगर फिगर बना के दे देता है उस केस में एल एस बी और एमएसबी आइडेंटिफाई करना ही एकमात्र रह जाएगा डिफिकल्टी बाकी सब आसान फिगर नहीं बना के देता है आर टू आर लेडर बोल देता है तो रेजोल्यूशन फॉर आर टू आर लेडर इज रेफरेंस वोल्टेज अपॉन्ट टू डू दावर एन खत्म बात क्या ये समझ में आया हाँ जी बेटा शुभम बेटा ऐसा है कि आ, मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं सर है ना सो वी बोथ आर श्रीवास्तव एंड आई लव द फैमिली ठीक है सो ऐसी बातें मत लिखो प्लीज मेरे को भी नहीं पता सर का अपना चॉइस है ठीक है चलो भाई यहां तक समझ आया क्या मैं आपका मशीन से स्टार्ट कर रहा हूं एक फरवरी से तो उसके बारे में मैं आपको भी फिर से बता दूंगा ये थोड़ा आपको मेरी बात समझ में आई क्या आपने कहा सर जी समझ में तो आई है ये क्या है बाइनरी नॉन इन्वर्टेड लेडर टाइप ठीक है सो गेन इंटू रेजोल्यूशन इंटू डेसिमल इक्वेलेंट ऑफ बाइनरी डेटा अब आपने कहा सर बहुत ही आसान है क्या एक गेट का क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे तुमको बड़ा मज़ा आएगा चलो मैं तुमको एक गेट का क्वेश्चन देता हूँ ये बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप में गेट या फिर ई कोई एक देख सकते हो तो मैं तुमको एक गेट 2000 का क्वेश्चन दिखाता हूँ ये क्वेश्चन आया था गेट 2000 में ठीक है 2007 में आया था।, था क्या 2000 में आया था टू में आया था चलो एक क्वेश्चन तुमको दिखाता हूँ देखो बड़ा पुराना क्वेश्चन है बहुत आसानी से तुमसे बनना चाहिए ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये एक रेजिस्टेंस दिखाया था और फिर एक रेजिस्टेंस दिखाया था यहाँ तुम्हारे पास एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दिखाया था ठीक है और ये इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया था फिर यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसे दिखा रखा था टू आर आर टू आर आर टू आर आर टू आर ठीक है ये तुम्हारे पास इस तरह से लैडर बना हुआ था आर और टू आर का ठीक है और यहाँ पर टू आर का एक ग्राउंडेड दिया हुआ था फिर उन्होंने यहाँ पर तुम्हें दिखा रखा था वन वोल्ट्स यहाँ ग्राउंडेड था यहाँ दिखा रखा था वन वोल्ट्स यहाँ ग्राउंडेड था पूछा गया था द आउटपुट वोल्टेज वी आउट ये सेवन के लिखा था ये वन के लिखा था ठीक है ना तुमसे पूछा क्या गया था यहां पर यहां पर सैचुरेटेड वैल्यूज भी मैंशन थी यानी प्लस माइनस फिफ्टीन ये मैक्सिमम है प्लस फिफ्टीन से माइनस फिफ्टीन वोट्स तक इसका आपको इन्वर्टर के बारे में बता रखा था ये सैचुरेटेड वैल्यूज लिखिए मैंने आपसे पूछ रहा था आउटपुट वोल्टेज बताओ फॉर अ बाइनरी डेटा अप्लाइड टू आर टू आर नॉन इन्वर्टेड लेडर टाइप हाँ जी बेटा जल्दी से बताओ क्या तुम इसे बता सकते हो मुझे हाँ जी ठीक है सो so, बताओ बेटा क्या तुम इसे बता सकते हो तुमने कहा सर इसका आंसर आएगा या तो दस वोल्ट ऑप्शन में दिया था या दिया हुआ था आपको आंसर ऑप्शन में पांच वोल्ट या दिया हुआ था आपको ऑप्शन में चार वोल्ट और दिया हुआ था आपको ऑप्शन में एट वोल्ट तो मैक्सिमम तो पंद्रह मिल सकता है पंद्रह से ऊपर नहीं मिलेगा तो सारे ऑप्शन पंद्रह से नीचे ही है चलो देखते हैं कितना आ जाएगा इसका आंसर भाई आपने कहा सर ये क्या है नॉन इन्वर्टेड आर टू आर लेडर टाइप अभी पढ़ाया हूं क्या हाँ सर यही तो है अब इसमें सबसे बड़ा काम है एमएसबी और एल को आइडेंटिफाई करना और आपने एक फॉर्मूला बताया वरुण सर का फॉर्मूला कि हमेशा एनालॉग वोल्टेज डी के केस में क्या लिखोगे गेन इंटू रेजोल्यूशन इंटू डेसिमल इक्वल ऑफ बाइनरी डेटा जहां वो रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंटल रेजोल्यूशन है मतलब बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप के लिए रेजोल्यूशन अलग है आर टू आर लेडर टाइप के लिए रेजोल्यूशन अलग है ठीक है सो so, आपने बोला सर इस हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा सो so, फॉर्मूला तो बड़ा साफ है फॉर्मूला क्या कहता है भाई आउटपुट वोल्टेज आउटपुट एनालॉग वोल्टेजेस गेन इंटू रेजोल्यूशन इंटू डेसिमल इक्वी ऑफ बाइनरी डेटा अब आपने कहा सर गेन हमको पता है वन प्लस आर एफ बाई आर वन इंटू रेजोल्यूशन पता है वी रेफरेंस बाय टू टू पावर एन ये किसके लिए है लैडर टाइप के लिए क्या ये लैडर टाइप है हाँ जी सर डेसिमल इक्वी ऑफ बाइनरी डेटा आई इज इक्वस टू जीरो टू एन माइनस वन टू टू दावर आई बी आई बढ़िया आपने कहा सर हमारे पास गेन के लिए आर एफ और आर वन की वैल्यू दी हुई बढ़िया कितना दिया हुआ है 7 और 1, किलो ओम है तो सब कट जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 7 बाई 1. ठीक है ना तो एट ही लिख देता हूं इसे सीधे सीधे जी सर तो ये एट हो जाना है रेफरेंस वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज सर एक्चुअली ना यहां पर ये जो रेफरेंस वोल्टेज है वही तो ये दिखाई दे रहा है यही तो रेफरेंस वोल्टेज है जो यहां वन के कंडीशन में लगता है यानी यहां पर जो रेफरेंस वोल्टेज है वो ये वन वोल्ट जो दिया है वही रेफरेंस वोल्टेज है कितने बिट का है सर बिट कैसे देखेंगे बिट के लिए आपने बोला सर जहां टू आर और टू आर एक साथ होगा ठीक है वो एक ये बिट हो गया दूसरा बिट और तीसरा बिट तीन बिट था यहां पर आपने कहा सर ये आर वाले रजिस्टर काउंट कर लेता ठीक है ना या टू आर वाले रजिस्टर काउंट कर लेता हूं तो कितने होगा यहां पर बेटा आपने कहा सर ये एक बिट हो गया ये एक बिट हो गया ये एक बिट हो गया ये एक बिट चार बिट आपने बोला चार बिट है चार बिट का मतलब यहां पे क्या लिखोगे फोर इन टू में डेसिमल इक्वी वैलेंट ऑफ बाइनरी डेटा अब डेसिमल इक्वी वैलेंट ऑफ बाइनरी डेटा बताओ क्या लिखोगे यहीं पर स्टूडेंट को होती है समस्या मैं नहीं लिख रहा मैं बस डी ई ऑफ बी डी लिख दे रहा हूं डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डेटा सो आपने बोला सर ये एट है डिवाइडेड बाई सिक्सटीन है ये डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डेटा है अब डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डेटा क्या है यहाँ बाइनरी डेटा क्या लगा हाँ जी बी होगा बिल्कुल सही है कई लोगों ने आंसर भी दे दिया है आपने कहा सर ना जहाँ टू आर और टू आर एक साथ नजर आ रहे होंगे ना बस ये आपको एल एस बी का पता चल गया तो ये LSB है ये नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया यानी ये बी जीरो बी वन ये बी टू ये और ये बी थ्री तो मतलब आपने जो नंबर लिखा है वो क्या है ये जीरो हुआ है यहां ग्राउंडेड है तो जीरो है यहां रेफरेंस लगा हुआ है अगर रेफरेंस लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे आपने बोला सर इसको बोलेंगे हम लोग हाँ जी बेटा वन तो सर ये क्या लिखा हुआ है ये टेन लिखा हुआ है क्यों सर अरे टेन नहीं सर ये तो कुछ और दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है हाँ जी भाई आपने बोला सर ये फाइव लिखा हुआ है आंसर देने में बहुत जल्दीबाजी किए हो ये फाइव लिखा हुआ है फाइव लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ फाइव आएगा और ये फाइव होने का मतलब ये टू पॉइंट फाइव वोट्स होगा सर ये तो आपके ऑप्शन में ही नहीं था हाँ थोड़ा सा चेंज किया था ताकि तुम दस और पांच समझ पाओ क्या मेरी बात समझ पाए हो बढ़िया सर मतलब ये ना इसमें से ऑप्शन ही नहीं था आपने तो आंसर भी दे दिया था ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं ये 2.5 पॉइंट है अच्छा फाइव वोल्ट्स कब होता मैंने थोड़ा सा बदल दिया इसीलिए कहता हूं रटो मत रटोगे तो ऐसा क्वेश्चन देख के फिर गलती कर जाओगे जो एक्चुअल क्वेश्चन था गेट में आया हुआ उसमें यहां वन था फिर ग्राउंड था फिर वन था फिर ग्राउंड था अभी वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया ये वन है ये ग्राउंड है ये वन है और ये ग्राउंड है तो ये बाइनरी डेटा क्या लिखा हुआ है दस नहीं लिखा हुआ है ये बाइनरी डेटा क्या लिखा हुआ है पांच लिखा हुआ है कैसे पता सर बाइनरी डेटा B3, B2, B1, B0 होता है जो कि लिखा है आपका जीरो वन जीरो वन यानी डेसिमल इक्वी इसका होगा फाइव अक्सर स्टूडेंट यहां कर देता है गलती क्या यह बात समझ में आई बढ़िया सर हमेशा ऐसा ही होता है ठीक है बढ़िया एक और क्वेश्चन बताओगे सर हाँ बिल्कुल देखो जरा गेट में ही एक और क्वेश्चन आया था यह भी आपको मैं दिखा देता हूं आर टू आर लेडर टाइप ही है रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस था रेजिस्टेंस था अब ध्यान से सुन लो बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी इसमें आपको यहाँ पर टू आर लिखा था टू आर लिखा था टू आर लिखा था ये आर था आर था और ये आर था इसे कर दिया था इन्होंने ग्राउंडेड इसे कर दिया था इन्होंने कनेक्ट इसे कर दिया था ग्राउंडेड इसे कर दिया था कनेक्ट इसे यहाँ पर माइनस प्लस पे कनेक्ट कर दिया था और ये आपका आर एफ लिख दिया गया था यह था आपका ग्राउंडेड यहाँ वोल्टेज लगा दिया गया था जिसे 10 वोल्ट लिख दिया गया है ठीक है क्या बढ़िया सर तो अब ये वाली कंडीशन में आप क्या बोलोगे वट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज क्या अब आप बता सकते हो क्या लिखा है बेटा गेट मार्क्स दयाता सर हाँ ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर दिया हुआ था इसमें इन्होंने इस तरह से ये मेंशन कर रखा था कि टू आर है ये भी आपका थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने ये आपका टू आर है और यहां पर भी आपका टू आर दिया हुआ था ऐसे करके ये दिया हुआ है ठीक है आपको बताना है आउटपुट वोल्टेज आपको बताना है आउटपुट वोल्टेज वी नॉट गेट 2005 में आया था हिंदी में क्लास करें हिंदी में ही क्लास करें हाँ हिंदी में ही क्लास करें बिल्कुल बोलो भाई फटाफट फट, आपने कहा सर आसान है यार इसमें क्या करना है वैल्यूज बता दो सर आरएफ की वैल्यू दी हुई थी सारे R की वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है RF R 10 दिया हुआ है RF R 10 किलो ओम दिया हुआ है यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V नॉट V नॉट की वैल्यू बता दो नहीं डरने की जरूरत नहीं है डरने की जरूरत नहीं है आजा जी बिल्कुल पढ़ाई बहुत अच्छी हो रखी है आप लोगों की अगर आप डरोगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब है बेटा टेन किलो ओम दे रखा है, आर सब बराबर है। सबसे इंपॉर्टेंट देखना जीरो वन हो गया और ये आपका जीरो हो गया ये डेटा क्या लिखा हुआ है ये है बी थ्री ये है बी टू है बी वन और ये है बी जीरो काम खत्म आपने कहा सर अगर हम देखते हैं तो ये लिखा हुआ है वन जीरो वन जीरोन की बाइनरी फिर वही काम कर देते हैं डेसिमल इक्वीवेंट इंटू गेन इंटू रेजोल्यूशन काम खत्म क्या ये समझ में आया बहुत अच्छा क्लियर है बेटा चलो सर ये आपने गेन इंटू रेजोल्यूशन इंटू डेसिमल इक्वलेंट ऑफ बाइनरी डेटा वाला जो तरीका बताया है ये हमारे दिमाग में बस गया अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं एडीसी की तरफ डीएसी हमें समझ आया डी में कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो प्लीज मुझसे पूछ डालिए ठीक है मैं आपके कमेंट सेक्शन को देख रहा हूं डी में अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो मुझसे पूछ डालिए रटिएगा नहीं एक ई में क्वेश्चन आया था मेरे टेलीग्राम लिंक पे कई बार स्टूडेंट ने शेयर भी किया एक बार देखते हैं क्या आपको ये समझ में आया है अब क्या अब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे ये ई में आया हुआ क्वेश्चन है ये लेडर टाइप आर टू आर लेडर टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है आप क्या तो देखते हैं कि आप क्या मेरी बात अब समझ पाए हो हाँ जी यहाँ लिखा था फोर वोल्ट यहाँ था ग्राउंडेड यहाँ था ग्राउंडेड यहाँ था ग्राउंडेड ये था आपका टू आर टू आर और टू आर ये था आर आर और आर यहाँ पे आपसे पूछ रहा था फाइंड द वोल्टेज एब द ग्राउंड ये था टू आर ई ईएससी में क्वेश्चन आया था इसके बाद चलते हैं यार ई पे लास्ट है ये भी ही लो ये आपके ई में क्वेश्चन आया था 99 में ठीक है ना सर बिसाइड टू आर इज एल एस बी ना वेन टू आर एंड टू आर आर नियर बाय देन दैट इज योर एल एस बी मतलब जहां टू आर और टू आर आप पैरल में देख रहे हो जो आर बन रहा है वो एल है और अकॉर्डिंगली आप एम की तरफ जा सकते हैं मेरी बात क्लियर है ना इज इट ओके टू आर आर इन पैरल एंड इक्वी वैलेंट ऑफ दैट इज लुकिंग एज आर दैट इज यूर एल एस बी इफ यू ऑब्जर्व 2R टू आर एंड टू आर इन गोइंग टू बी आर ठीक है ना If you observe here, two R and two R are, are in parallel. That is your LSB. so Okay? So you have to find just LSB one. Once you are able to find LSB, it will become very easy. Two R and two R in parallel. So this is your LSB. Is it okay? jo bhi main board pe likh raha hu that I am going to share you on Telegram. Okay? जिसका link मैं आपको अभी बता दूँगा. जरा इसका answer बताओ. मनोज कुमार ने बिल्कुल सही answer दिया है. क्या कहेंगे sir? देखो sir यहां पर ये लॉजिक जो लगा हुआ है वो यहां लगा हुआ है इसका मतलब ये क्या है लॉजिक वन पे रेफरेंस वोल्टेज हमें पता है है रेफरेंस वोल्टेज है चार वोल्ट बढ़िया सर अच्छा सर एक चीज और दिखाई दे रही है यहां पर टू आर और टू आर पैरल में है तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा ये नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा ये वाला ग्राउंडेड है जीरो से कनेक्टेड है ये वाला लॉजिक वन से कनेक्टेड है ये वाला ग्राउंडेड है लॉजिक जीरो से कनेक्टेड है अब यह बाइनरी क्या लिखा हुआ है बी टू बी वन बी जीरो 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 क्या लिखा हुआ है आपने कहा सर ये जीरो वन जीरो लिखा हुआ है ये बेस टू में लिखा है तो बेस टेन में क्या होगा तुमने कहा यह डो है सर बेस टेन में यानी डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस बाइनरी डेटा इज टू अब आपने कहा सर हम इसको आर टू आर के लिए रेफरेंस 2 टू टू पावर एन गेन तो सर कुछ है ही नहीं एम्पलीफायर लगा ही नहीं तो गेन यूनिटी हो गया इन टू में आपने कहा सर decimal equivalent of the binary data. Reference voltage कितना है reference voltage आपने कहा सर है वन और एन कितना है सर एन कितना है एक दो तीन बिट है सर सो so, ये आपका हो जाएगा sorry. ये हो जाएगा थ्री मतलब सर कितना हो गया ये ये हो जाएगा सर टू बाई एट रेफरेंस वोल्टेज कितना है फोर वोल्ट एट बाई एट वन वोल्ट आउटपुट एनालॉग वोल्टेज कितना आएगा सर इसके लिए वन वोल्ट क्या ये समझ में आया मैं आगे बढ़ सकता हूं सेशन को शेयर करना अगर तुम्हें पसंद आए तो सर एक बार लास्ट प्रॉब्लम में दस कैसे आया होगा डेसिमल इक्विवेलेंट बता तो दिया बेटा मैंने ऑलरेडी बता दिया ना दस है ये क्या है बेटा टू आर और टू आर जो आ रहा है ये बी थ्री ये आपका आया बी जीरो अच्छा ये मैंने गलती कर दी आई एम सॉरी फॉर दिस आई एम सॉरी फॉर दिस जल्दीबाजी में गलती कर दी है ना टू आर और टू आर जहां पे आया है वो लिखा है बी जीरो बी वन बी टू और ये है बी थ्री ठीक है सही कर लो ये पांच लिखा है दस नहीं लिखा है पांच की बाइनरी लिखी हुई है प्लीज करेक्ट इट यहां तक मेरी बात क्लियर है क्या प्लीज करेक्ट इट ये पांच की बाइनरी लिखी हुई है दस की नहीं लिखी हुई जल्दीबाजी में लिख गया सही कर लीजिएगा क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है ये वाला मेरा बात आपको समझ में आया है सर एडीसी की बात करते हैं डीएसी हमें समझ में आ गया अब एडीसी और डीएसी दोनों का यूज करते हुए समझते हैं थोड़ा और डिटेल में कैसे क्वेश्चन बनेंगे कैसे हम एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलते हुए देखेंगे देखो जरा जो कोई भी हमारे पास सिग्नल होता है ना उस सिग्नल की हम लोग क्या करते हैं सैंपलिंग करते है। सैम्पलिंग करने के बाद उसको हम किस में कर देते हैं क्वांटाइजेशन के थ्रू उसे डिस्क्रीट में लेवल्स में बांट देते हैं ठीक है ना अब जितना ज्यादा आप लेवल रखोगे उतने ज्यादा बिट बनेंगे जितने ज्यादा बिट बनेंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़िया होगी ठीक है तो ये तो जनरल प्रोसेस हो गया अब हम समझते हैं ये ए डी सी क्या है एनालॉग सिग्नल हमारे पास है उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं एनालॉग सिग्नल हमारे पास है लाइक like मेरी वॉइस उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है तो जरा देखो हम लोग क्या करते हैं जो भी हमारे पास सिग्नल आता है उसे हम वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में एंटर कर रहे सपोज करो मेरे पास यहां पर अप्लाइड वोल्टेज है वी ए ठीक है ये है मेरे पास एक कंपरेटर इसे बोलते हैं हम लोग कंपरेटर ठीक है कंपरेटर क्या करता है कंपेयर करता है दो इनपुट्स को और डिपेंडिंग अपॉन द कंपरेटर इनपुट कंपैरिजन आउटपुट लॉजिक इज प्रेजेंट ठीक है सो यहां पे हमारे पास एक कंपरेटर हो गया ये है कंपरेटर ठीक है इट कंपेयर्स द टू इनपुट ठीक है सर ये हमारा चला जाता है सबसे पहले एडीसी में मैं रैंप टाइप ले रहा हूं रैंप टाइप एडीसी ठीक है फर्स्ट वन इज योर रैंप टाइप तो रैंप टाइप ले रहा हूं रैंप टाइप के थ्रू आपको समझाता हूं हमने आपको टाइप्स पहले ही बता दिए थे रैंप टाइप एक्सप्लेनेशन पे आ गया हूं आपने कहा सर ये मान लीजिए हमारे पास है क्या चीज एक कंपरेटर है और कंपरेटर से जो इनपुट जा रहा है वो एक एंड गेट में जा रहा है और एंड गेट पे आप कंटिन्यूस क्लॉक पलसेज लगा दिए ठीक है और जो एंड गेट का आउटपुट है उसको उठा के ना आपने एक अप काउंटर में लगा दिया सर हम अप काउंटर बहुत बढ़िया से पढ़े थे ठीक है और इस अप काउंटर का जो आउटपुट आ रहा है उसे उठा के मैं एक डी में डाल देता हूँ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट होने के बाद जो हमारा फीडबैक वोल्टेज आ रहा है उसको उठा के यहाँ इनपुट में डाल देता ठीक है सर तो इसको मैं बोलूंगा फीडबैक वोल्टेज बढ़िया इसको मैं बोलूंगा फीडबैक वोल्टेज ठीक है सर जनरली क्या होता है यहां एक कंट्रोल सर्किट भी होती है जो कंपरेटर से कंट्रोल सर्किट जुड़ी होती है और वो हमारे लैच में जाती है ताकि जो भी डिजिटल डेटा आया उसे स्टोर किया जा सके चलिए हम तो कंपैरिजन सीख रहे हैं तो स्टोरेज की बात अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं अब वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप स्टोर करना चाहते हो या एलईडी में डिस्प्ले करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है ठीक है सर चलो यहाँ पर आपने कहा सर हमारे पास जो आउटपुट टर्मिनल्स आए हैं उनको यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ बी थ्री बी टू बी वन और बी ज़ीरो मेंशन होना जरूरी है कि एम एस बी कौन सा है और एल एस बी कौन सा है तो मैं यहां पर आपको यहां मेंशन कर देता हूं ये हो गया बी थ्री बी टू B1 और B0 ठीक है जैसा मेंशन होगा उसके हिसाब से आप आगे बढ़िएगा बढ़िया सर यहां पे हम ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस दे देते हैं यहां पे हम ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस दे देते हैं ठीक है अब हमारा जो कंपेरेटर है उसका नेचर ऐसा होता है कि जब पॉजिटिव वाले सिंबल पे अधिक वोल्टेज आ रहा हो तो वो लॉजिक वन देता है और नेगेटिव वाले सिंबल पे जब अधिक वोल्टेज आ रहा हो तो लॉजिक जीरो देता है ठीक है सर तो हम आपको ध्यान से सुनते जाइए मैं आपको इसके बारे में समझाने जा रहा हूं उससे पहले कुछ बातें बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा <laughs> रैंप टाइप एडीसी जिसको काउंटर टाइप एडीसी भी कहा जाता है रैंप टाइप एडीसी इज यूज रैंप टाइप एडीसी इज यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इन डिजिटल एंड रैंप टाइप एडीसी यूजेस कंपरेटर दैट कंपेयर एनालॉग अप्लाइड वोल्टेज विद अ फीडबैक वोल्टेज अप काउंटर इज यूज टू काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। ठीक है कंपरेटर आउटपुट इज लॉजिक वन वेन एवर वी ए इज मोर देन फीडबैक वोल्टेज कंपरेटर आउटपुट इज लॉजिक जीरो वेनएवर फीडबैक वोल्टेज इज ग्रेटर देन वी ए बढ़िया सर तो अब आपने कहा एंड गेट का एक इनपुट अगर वन होगा तभी दूसरे इनपुट पे वन आने पे एंड गेट का लॉजिक वन आएगा जिसको आप क्लॉक के रूप में अप काउंटर में लगा रखे हो सो अप काउंटर अप में काउंट करेगा सो लेट अस सपोज कि हमारे इस डी का रेजोल्यूशन दिया हुआ है ये हमारा जो रेजोल्यूशन दिया है वो है डी का पूरा रेजोल्यूशन रेफरेंस अपॉन टू टू दावर एन होल माइनस वन ठीक है ना तो आपने कहा सर एक काम करते हैं कि हमारे इस DAC का resolution है ठीक तो रेजोल्यूशन है जीरो पॉइंट फाइव अब आपने कहा सर लेटस सपोज कि यहां पर हमारे पास वोल्टेज है सिक्स पॉइंट वन या मैं छोड़ा छोटा कर लेता हूं लेट अस सपोज हमारे पास यहां वोल्टेज है टू पॉइंट टू पॉइंट थ्री ठीक है सर हमारे पास वोल्टेज है टू पॉइंट थ्री और टू पॉइंट थ्री वोल्ट के करस्पॉन्डिंग मैं चाहता हूं डिजिटल आउटपुट सो क्या होगा सबसे पहले आपने कहा सर इनिशियली बिफोर कन्वर्जन स्टार्टेड काउंटर इज रीसेड टू जीरो तो ये सब जीरो 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 पे हो गए DAC का आउटपुट क्या आ रहा होगा जीरो काउंटर इज रीसेटेड टू जीरो बिफोर कन्वर्जन स्टार्टेड फिर इनपुट लगाया अब 0, में से बड़ा है तो आउटपुट ऑफ कंपैरेटर वन आएगा अब पहली क्लॉक पल्स लग जाएगी जब पहली क्लॉक पल्स लगेगी तो यहां बाइनरी वन की आएगी वन इन टू पॉइंट फाइव आपने बोला पॉइंट फाइव यहां आएगा पॉइंट फाइव एक क्लॉक पल्स लग चुकी क्लॉक आया, अभी फिर कंपेयर किया, फिर ये वन है दूसरी क्लॉक पल्स लग गई दो आया टू इंटू पॉइंट आपने बोला वन अभी वन आया अभी भी क्या है एनालॉग अप्लाइड वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज से बड़ा है कंपरेटर का आउटपुट वन एंड गेट पे जो क्लॉक आई वो एक और क्लॉक लग गई फिर ये एक और काउंट किया अब बाइनरी आई थ्री की क्या मेरी बात क्लियर है अब जुनून होगा ना तो एक नंबर के लिए जान दे देगा इंसान तुम कह रहे हो चार नंबर के लिए इतना कौन पढ़ेगा है जुनून की बात है यार तुम्हें चाहिए क्या तुम्हें चाहिए क्या उसके लिए तुम कीमत क्या चुकाओगे ऐसे थोड़ी होता है यार हम यहाँ खड़े हैं हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं रात में बारह बज रहा है कुछ तो बात होगी ना हाँ कुछ तो बात होगी ना है मैं चाहता हूं कि तुम देखो अगर तुम देख सकते हो तो तुम सीखो अगर सीख सकते हो तो शायद तुम्हारा नंबर बढ़ जाए उम्मीद बैच के हिसाब से हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया है इस एक महीने के अंदर भरपूर प्रयास किया जितना कर सकते हैं गिवन टाइम में ठीक है सो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है जान दे सकते हैं इंसान एक एक नंबर के लिए ऐसी बातें मत लिखो सुनो आपने कहा सर 2.3 पॉइंट यहां आया आ, फिर आपका वन आया वन, ये कौन सी के बाद पहली हो गई दूसरी हो गई अब तीसरी क्लॉक पल्स चौथी क्लॉक पल्स लग गई टू गई 2.5 अब रुक गया जैसे ही 2.5 पॉइंट फाइव आया यहां जीरो हो गया यहां आपने जीरो हो गया अब ये काउंटर रुक गया अब ये काउंटर फर्दर काउंट नहीं करेगा तो यहां बाइनरी किसकी आ जाएगी आपने कहा एक दो तीन चार पांच क्लॉथ पल्स लगी थी तो ये आपका क्या शो कर देगा आपने कहा वन जीरो वन जीरो वन ये डेटा आ जाएगा ये क्या है टू पॉइंट थ्री के करस्पॉन्डिंग बाइनरी डेटा ये क्या है टू पॉइंट थ्री बोल्ट के करस्पॉन्डिंग बाइनरी डेटा क्या मेरी बात समझ में आई बढ़िया सर आपने कहा सर इसमें इसमें डिसएडवांटेज क्या है क्यों ये वाला एडीसी जब था तो दूसरे एडीसी बनाए गए अब देखो 2.3 लगा था तो पांच क्लॉक पल्स काउंट किया था अब ऐसा तो नहीं है कि क्लॉक पल्स की विर्थ जो होगी वो सिर्फ छोटी सी क्लॉक पल्स की विर्थ कर सकते नहीं क्लॉक पल्स की विर्थ इतनी रखनी होगी कि कंपेरेटर भी काम कर जाए ये एंड गेट भी काम कर जाए और इस अप काउंटर में लगे हुए सारे फ्लिप फ्लॉप भी काम कर जाए यानी आपने कहा सर क्लॉक पल्स की विर्थ बड़ी है अब क्या है कि इसको पांच क्लॉक पल्स काउंट करने में पांच क्लॉक पल्स काउंट करने में समय लगा सपोज करो एक क्लॉक पल्स एक सेकेंड की है तो पांच सेकेंड बाद इसने डेटा दिया अब यही डेटा अगर मैं चेंज कर देता हूं मैं कर देता हूं इसी डेटा को हाँ जी बेटा सपोज करो मैंने इसी को कर दिया आ, तो तुमने कहा सर अगर सिक्स पॉइंट सेवन कर दिया सिक्स पॉइंट नाइन कर देते तो सर सिक्स पॉइंट नाइन कर दिया तो अब क्या होगा अब आपने कहा सर ये काउंट करेगा क्लॉक पल्स कितनी काउंट कर जाएगा आपने बोला सर 2.5 आई थी 3, थ्री पॉइंट फाइव फोर फोर पॉइंट फाइव 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 पॉइंट फाइव सिक्स सिक्स पॉइंट फाइव सेवन कितने क्लाक पॉलसेज काउंट कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्लॉक पॉलसेज काउंट कर दिए आपने कहा सर इसका मतलब अब क्या हो जाएगा यहां पे 14 क्लॉक पल्सेस काउंट किया है इसका मतलब यहां बाइनरी क्या आ जाएगा आपने बोला सर यहां बाइनरी 14 के हिसाब से 14 क्लॉक के लिए आ जाएगा 1, 1, 1, 0. Yes, सर अब ये क्या है 6.7 के लिए उसको 14 क्लॉक पल्स लगी तो क्या ड्यूरेशन बढ़ गया हाँ सर तो क्या हम ये कह सकते हैं कन्वर्जन टाइम इज डिपेंडेंट अपॉन द अप्लाइड इनपुट डेटा यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें कन्वर्जन टाइम फिक्स नहीं है कन्वर्जन टाइम वैरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज ठीक है ना बढ़िया सर अच्छा मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम क्या हो सकता है और फुल स्केल तो आपको नजर आ रहा है वन 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 मल्टीप्लाई कर दोगे रेजोल्यूशन सेवन पॉइंट फाइव फुल स्केल होगा ठीक है सर अब ध्यान से देखते जाओ बेटा आपने कहा सर ये वाली बात आपकी समझ में आई बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये ये है अब आपने कहा सर ये वाली बात आपकी समझ में आई जो 2.3 लिखा था वही लिखा हुआ छोड़ दे रहा हूं जीरो लिखा हुआ छोड़ दे रहा हूं आगे बढ़ते हैं कन्वर्जन टाइम की बात करते हैं सो so, डिसएडवांटेज क्या है कन्वर्जन टाइम वेरीज विद अप्लाइड इनपुट वोल्टेज कन्वर्जन टाइम की बात करते हैं मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना होगा सर मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना होगा मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना होगा आपने बोला सर मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम हो जाएगा हाँ जी बेटा मैक्सिमम कितनी क्लॉक पल्सेस काउंट कर सकता है एन बिट के लिए टू टू पावर एन जी बेटा अगर ये पंद्रह क्लॉक पल्सेस काउंट करता तो क्या लिखते चार बिट के लिए टू की पावर फोर होल माइनस वन इतनी क्लॉक पल्स काउंट कर सकता था ना सोलवे में तो फिर जीरो जीरो हो जाता तो ये पंद्रह क्लॉक पल्स काउंट कर सकता था तो मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम कितना लग सकता है टू टू दावर एन होल माइनस वन इन टू टी सी एल के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक कितनी लिख सकती हैं टू टू दावर एन माइनस वन क्या ये समझ में आया बढ़िया ये सफकोर्स रेजोल्यूशन पे तो डिपेंडेंट है ही अब ये डी का रेजोल्यूशन कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसके बिना तुम कैसे निकालोगे बिना रेजोल्यूशन के कैसे निकालोगे और मैं तो कह रहा कर कर दो, वही फुल स्केल होगा इसके लिए। उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तक है। अब ये जो time varies with applied voltage की समस्या है इसे दूर करने के लिए नए टाइप का आपका एडीसी यूज किया गया जिसको नाम दिया गया टाइप एडीसी ठीक है ना चलिए सक्सेसिव सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप ए डी सी बेटा ऐसा है हम सिर्फ प्रयागराज में नहीं पढ़ाते थे हम भारत के हर कोने में पढ़ाते थे हैदराबाद से लेकर के प्रयागराज और उत्तर उत्तराखंड तक पढ़ाते थे ठीक है <laughs> सो मैं हर जगह पढ़ा रहा था ठीक है अभी भी हर जगह पढ़ा रहा हूँ और आप लोग अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो आगे भी हर जगह पढ़ाता रहूँगा ठीक है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप की बात करते हैं इसको अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट में समझ लेते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप ए देखो बेटा एक्चुअल जो ये है उससे थोड़ा हट के बता रहा हूं क्यों सर ऐसा कर रहे हो क्योंकि एक्चुअल में बताने के लिए फिर आपको बहुत सारी चीजें मुझे बतानी पड़ेगी और वो बड़ा मतलब टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा उतनी आवश्यकता है नहीं तो मैं ना इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के फॉर्मेट में बता रहा हूं That is not 100% correct but all the questions can easily इजली uh, be solved and you can easily understand. ठीक है तो चलो सर हम आपके ऊपर जो है वो ऐसा कोई वो नहीं करेंगे कि सक्सेसिव approximation register समझ में नहीं आया बस इतना ही important है मेरे लिए ठीक है देखो जरा एस ए आर टाइप एडीसी जो होता है वो क्या यूज करता है बहुत ध्यान से सुनना एस ए आर टाइप का एक बहुत ही सरल सर्किट बना लेता हूं ठीक है जब बुक में देखते हो तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स दिखेगा मैं बहुत सरल बना लेता हूं ताकि मैं समझ पाऊं एस आर को तो एस आर टाइप एडीसी यूज करता है एक कंट्रोल सर्किट का एस आर टाइप एडीसी यूज करता है एक कंट्रोल सर्किट का और ये कंट्रोल सर्किट जो होती है वो सक्सेसिवली सेट या रीसेट करती है करंट बिट सेट बाय द रिंग काउंटर ठीक है सर तो ये हो गया आपकी कंट्रोल सर्किट ठीक है और ये कंट्रोल सर्किट जो है वो सक्सेसिवली सेट बिट को सेट या रीसेट करने का काम करेगी रिंग काउंटर में तो यहां पे मैं बना देता हूं एक रिंग काउंटर ठीक है रिंग काउंटर के बारे में हम सबको पता है एन बिट के रिंग काउंटर में मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स एन होते हैं ठीक है भाई तो ये आसान भाषा में सर बताने वाले हैं बहुत आसान भाषा में ठीक है ताकि हम लोग ना सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप के क्वेश्चन को ईजिली कर ले बस ये क्या है डी ए सी ठीक है सर यहां से हमारा इस कंपेरेटर में फीडबैक वोल्टेज आ रहा है और ये है हमारा अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग मुझे डिजिटल डेटा चाहिए वी ए के करस्पॉन्डिंग मुझे डिजिटल डेटा चाहिए यह मेरे पास रिंग काउंटर ठीक है रिंग काउंटर में क्या होता है सर रिंग काउंटर में कोई एक बिट वन होती है और बाकी सारी बिट क्या होती है जीरो यही ना रिंग काउंटर एक तरह का शिफ्ट रजिस्टर है जिसमें एक बिट वन होती है और बाकी बिट्स जीरो ठीक है इसमें हम लोग क्या करते हैं ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस भी दे देते हैं ठीक है सर ये कंट्रोल बिट हो गया यहाँ पे हम लोग जो है वो कंट्रोल सर्किट दो काम करेगी कंट्रोल सर्किट जो है वो क्लॉक लगाने का काम भी करेगी और साथ ही साथ आपने कहा सर यह सक्सेसिवली बिट को सेट या रीसेट करने का काम करेगी यहां जो वोल्टेज आया है इसे बोलेंगे हम लोग फीडबैक वोल्टेज ठीक जो डी पे एनालॉग वोल्टेज आया उसे हमने क्या नाम दे दिया फीडबैक वोल्टेज बढ़िया सर अब देखते जाओ कंट्रोल सर्किट इज यूज टू रीसेट करंट बिट ध्यान से देखना Control circuit is used to reset current bit set by ring counter. Control circuit is used to reset current bit set by ring counter. If, if या यार और छोटा लिखता हूं इतना बड़ा भी क्यों लिखूं तुमको तो सिर्फ समझाना ही है ना ध्यान से देखो और छोटा लिख देता हूं कंट्रोल सर्किट कंट्रोल सर्किट रीसेट एनालॉग वोल्टेजेस व्हेन एनालॉग वोल्टेजेस when applied analog voltage is greater than feedback voltage tick or control circuit set when applied analog voltage is less than feedback voltage tagda सो कंट्रोल सर्किट जो है वो आपका सेट या रीसेट करने का काम करेगा रिंग काउंटर के बारे में यहाँ लिख देता हूँ रिंग काउंटर का बिहेवियर कैसा होता है रिंग काउंटर की अगर बात की जाए तो रिंग काउंटर कैसे काम करेगा B3, B2, B1, B0 है तो जब जब आप क्लॉक लगाओगे ना तब तब क्या होगा एक बिट शिफ्ट कर जाएगी मतलब क्लॉक लगाने के बाद आपने कहा सर ये हो जाएगा पहली क्लॉक पल्स के बाद दूसरी क्लॉक पल्स के बाद हो जाएगा ये तीसरी क्लॉक पल्स के बाद हो जाएगा ये चौथी क्लॉक पल्स के बाद हो जाएगा ये ठीक है आपने कहा रिंग काउंटर क्या करता है सर ये शिफ्ट का काम करता है इसमें हम लोग ना एन बिट के कन्वर्जन के लिए एन बिट का अगर हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करना है तो हमें सिर्फ एन क्लॉक पल्सेस की आवश्यकता होती है आइए समझने की कोशिश करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था 2.3। सो so, 2.3 को ना डिजिटल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस और थोड़ा समझते हैं सो so, चलो 2.3 ले लेता हूँ सब कुछ सेम रख लेता हूँ रेजोल्यूशन पॉइंट ले लेता हूँ रेजोल्यूशन सब कुछ सेम रखता हूँ बस मैं क्या यूज करने वाला हूं एस ठीक है भाई अब देखो सबसे पहले जब पहली क्लॉक पल्स लगेगी बिफोर अप्लाइंग द क्लॉक पल्स सब कुछ नहीं है जैसे ही क्लॉक पल्स आप पहली लगाओगे तो सबसे पहले क्या हो रहा होगा आपने कहा सर यहां पर ना जैसे पहली क्लॉक पल्स लगाएंगे B3 थ्री हाई हो जाएगा हाईएस्ट वाला हाई हो जाएगा ठीक है सो B3 थ्री हाई हो जाएगा और बाकी सारे जीरो 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 तो पहली क्लॉक पल्स के बाद डेटा क्या आएगा ध्यान से सुनते जाना जैसे ही आप पहली क्लॉक पल्स लगाओगे आपको डेटा क्या मिलेगा Uh, यहां लिखता हूं फर्स्ट क्लॉक पल्स फर्स्ट क्लॉक पल्स पे डेटा क्या मिलेगा फ्लक्स फर्स्ट क्लॉक पे डेटा क्या मिलेगा फर्स्ट क्लॉक पे डेटा मिलेगा आपको वन जीरो 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 ठीक है अब आपने कहा सर ये वन जीरो जीरो जो है अब यहां पे दो संभावनाएं हैं ये दो संभावनाएं क्या हैं अब ये वन जीरो जीरो का हम क्या निकालें हम निकालें वन जीरो जीरो का DAC के थ्रू कि हमारा फीडबैक वोल्टेज कितना है? तो आपने कहा वन जीरो जीरो के लिए यहां पे आएगा फोर है ना यानी वन जीरो जीरो एट की बाइनरी है रेजोल्यूशन से मल्टीप्लाई करोगे यहां आ जाएगा कितना बेटा फोर फोर और टू पॉइंट थ्री का कंपेरिजन हुआ फोर और टू पॉइंट थ्री का कंपेरिजन हुआ देखो ये कंपेरेटर गलत बना हुआ है ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है ठीक फोर और टू पॉइंट थ्री का कंपेरिजन हुआ जब फोर और टू पॉइंट थ्री का कंपेरिजन हुआ तो यहां पर क्या आ गया आपने बोला वन जब कंट्रोल सर्किट पे वन आया ना तो उसने क्या मेजर किया उसने मेजर किया कि अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज हमारा छोटा है फीडबैक वोल्टेज से अगर अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज छोटा है फीडबैक वोल्टेज से तो वो क्या करने वाला है आपने बोला सर वो सेट करने वाला ठीक है ना बढ़िया आपने कहा सर अप्लाइड वोल्टेज जो है वो छोटा है फीडबैक वोल्टेज से उल्टा लिख दिया हूँ यार मैं उल्टा लिख दिया हूँ उल्टा लिख दिया हूँ भाई उल्टा लिख दिया हूँ सही करो इसे ये है छोटा और ये है बड़ा ठीक ये सेट करता है जब ये एनालॉग वोल्टेज बड़ा होता है फीडबैक वोल्टेज से रीसेट करता है जब एनालॉग वोल्टेज छोटा होता है फीडबैक वोल्टेज से ठीक है सो so, आपने बोला सर जैसे ही वन आया यहां पर कंट्रोल सर्किट ने वन देखते ही ये मेजर किया कि अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज से छोटा है अगर अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज से छोटा है तो देखो यहां दो संभावना अगर अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज से छोटा है या अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज से बड़ा है तो अगर अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज से छोटा है ना तो ये जो करंट बिट सेट बाय द रिंग काउंटर है इसको क्या कर देगा रीसेट और साथ ही साथ अगली क्लॉक पल्स में डेटा क्या मिल जाएगा ये आगे आपको यानी कि नेक्स्ट वाला सक्सेसिव बिट आपका सेट करेगा रिंग काउंटर इस वाले बिट को जिसको रिंग काउंटर ने सेट किया था उसको इसने क्या कर दिया रीसेट कंट्रोल सर्किट ने यह है सेकेंड क्लॉक पल्स के एंड में डेटा अब सेकेंड क्लॉक पल्स के एंड में दो डेटा संभव थे दोनों डेटा यहां लिख दिया हूं. क्या चीज सर अगर एनालॉग वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज से बड़ा होता तो यह इसको सेट रखता ठीक है और साथ ही साथ नेक्स्ट वाला जो बिट है वो रिंग काउंटर के हिसाब से सक्सेसिव बिट वन हो है आपने कहा सर यहां पर फिर से अब ये वाला तो हमें मिला नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें मिला ये वाला ठीक अब ये क्या है ये फोर है अब यहां फोर आया यहां फोर आया फोर का आपने कहा पॉइंट फाइव से मल्टीप्लीकेशन हुआ और यहां आया टू अगर यहां टू आ रहा है तो टू पॉइंट थ्री से टू क्या है आपने बोला छोटा है अगर 2.3 से 2 छोटा है तो ये कंट्रोल सर्किट में क्या आया आपने बोला सर कंट्रोल सर्किट में यहां पर क्या आ जाएगा जरा ध्यान देना बेटा अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज से बड़ा हो गया तो ये करंट बिट सेट बाय द रिंग काउंटर को सेट कर देगा मतलब जरा ध्यान से देखना आपने बोला सर यहां से दो संभावनाएं थी एनालॉग वोल्टेज बड़ा होगा फीडबैक वोल्टेज से एनालॉग वोल्टेज छोटा होगा फीडबैक वोल्टेज से या एनालॉग वोल्टेज बड़ा होगा फीडबैक वोल्टेज से तो आपने कहा सर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अपलाइड वोल्टेज अगर एनालॉग वोल्टेज से छोटा होता तो ये करंट बिट सेट बाय द रिंग काउंटर को क्या कर देता रीसेट कर देता और ये वन जीरो हो जाता थर्ड क्लॉक पल्स पे है ना लेकिन अगर ये बड़ा होता तो क्या करता ये इस वाले बिट को सेट कर देता ठीक है ये बिट हो चुका है इस बिट को सेट कर देता और रिंग काउंटर के हिसाब से ये वन जीरो में बदल जाता है क्या मेरी बात क्लियर है बढ़िया सर तो अभी क्या होने वाला था आपने कहा सर हमारे हिसाब से ये नहीं मिलके ये मिला क्यों क्योंकि एनालॉग वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज से बड़ा है फिर फोर्थ क्लॉक पल्स आई फोर्थ क्लॉक पल्स आई आपने बोला सर फोर्थ क्लॉक पल्स में कंट्रोल सर्किट क्या मेजर करने वाला है अभी ये डेटा है ये डेटा क्या है जीरो मतलब सिक्स 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 जो है वो पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई होके यहां आ गया थ्री थ्री और टू पॉइंट थ्री दोनों पाया कि आउटपुट ऑफ ऑफर लॉजिक आ रहा है क्यों क्योंकि फीडबैक वोल्टेज आपका एनालॉग वोल्टेज से बड़ा है अगर फीडबैक वोल्टेज एनालॉग वोल्टेज से बड़ा है तो कंट्रोल सर्किट ने उसके हिसाब से एक्शन लिया अब आपने बोला सर फोर्थ वाली क्लॉक पल्स में क्या हो जाएगा फोर्थ वाली क्लॉक पल्स में क्या हो जाएगा देखिएगा इस वाले पॉइंट से दो संभावनाएं थी क्या एनालॉग वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज से बड़ा होगा या एनालॉग वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज से छोटा होगा ठीक है? Yes, so, है सुनना मेरी बात को ठीक है ना हां भाई नहीं कर रहे अगर एनालॉग वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज से छोटा है तो क्या लिखोगे तुम तुम कहोगे सर यहां पर ये करंट बिट सेट था जीरो ये हो गया आपका वन इसको ये क्या कर देता जो करंट बिट सेट बाय द रिंग काउंटर है रीसेट कर देता और ये हो जाता वन ठीक है ना यस सर सो फोर्थ क्लॉक पल्स पे फोर्थ क्लॉक पल्स पे जो डेटा मिलता वो ये मिलता या अगर ये वाली कंडीशन आई होती तो जीरो इसको ये क्या कर दिया था वन इसको ये क्या कर देता रीसेट सेट कर देता वन और ये आपका वन हो जाता अब आपने कहा सर ये वाला ना मिलके हमें मिला ये डेटा तो फोर्थ क्लॉक पल्स के एंड में आपको डेटा क्या मिला जीरो वन जीरो वन यानी टू पॉइंट थ्री के करस्पॉन्डिंग आपने कहा सर ये हमारा 2.3 के करस्पॉन्डिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर टाइप ने जो हमें डिजिटल डेटा दिया है दैट इज जीरो वन जीरो वन आपने बोला सर सब कुछ सेम है ना यही वाली हमारे यहाँ पर भी आया था यही वाला यहाँ भी आया तो अंतर क्या हुआ अंतर ये हुआ कि यहां सिर्फ क्लॉक क्लॉक हमारे चार बिट के डेटा को देने के सफिशियंट यानी कितना भी वोल्टेज लगाओ हर बार चार ही क्लॉक पल्स लगेगी चार बिट में रिप्रेजेंट करने में जबकि यहां पर जो एनालॉग वोल्टेज हम लगा रहे थे उसके हिसाब से हमारा नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस बदलती जा रही थी तो यहां कन्वर्जन टाइम वैरी कर रहा था और यहां कन्वर्जन टाइम क्या है आपने बोला हमेशा फिक्स है। N. क्या मेरी बात समझ पाए हो बोलिएगा बेटा जी आपने कहा सर जी समझ गया ये ना दिस इज नॉट द एक्चुअल एस ए आर इट इज जस्ट अ कंसेप्ट कि आपको एस ए आर की चीजें याद रहे बस आप हर बार निकाल लोगे एग्जैक्ट एस के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें और चाहिए लेकिन मैं इसको उम्मीद बैच में छोटा रखता हूं एक्चुअल एस समझने के लिए आप आइएगा मेरे पास ऐप आप में आपको ये समझ में आया क्या कंसेप्ट समझ में आया आपने कहा सर बस अब ये जो कंसेप्ट है ना ये हम कंट्रोल सर्किट का फंक्शन और नेक्स्ट क्लॉक पल्स के साथ में समझ गए कोई भी डेटा लगा दो यार हर बार तुम चौथी क्लॉक पल्स में चार बिट के लिए पा जाओगे तो रटने वाली बात क्या है टाइप में एन में एन क्लॉक जो हमें डेटा मिलता है वो क्या मिल जाता है हमेशा हमारा कन्वर्जन एन क्लॉक पल्स में हो जाता है मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम एन है कन्वर्जन टाइम इज नॉट चेंजिंग विद अप्लाइड इनपुट वोल्टेज क्या मेरी बात क्लियर है बढ़िया सर एस ए आर टाइप भी समझ में आया सर इसके बाद हम फास्टेस्ट एडीसी पे चलते हैं जिसको बोलते हैं कंपरेटर टाइप एडीसी या फ्लैश टाइप एडीसी अभी भी ये स्लो है इसको और फास्ट करने की कोशिश करते हैं तो सर क्यों करना चाहते हो अरे पता चला मैं यहां बोल दिया उसके बाद उसे कन्वर्जन होने में आधा घंटा लग गया फिर कन्वर्जन होने के बाद तुम्हारे पास पहुंचा फिर कन्मर्जन होने में उसको आधा घंटा लग गया तो तुम्हारे पास मेरी बात पहुंचते पहुंचते इतना समय हो गया कि तुम मोबाइल उठा के पटक दोगे हाँ जी टू सेव द टाइम। द टाइम इज़ कॉस्टलीस्ट थिंग क्योंकि एक बार बीत जाने के बाद दोबारा नहीं आता है सब कुछ वापस आ सकता है समय वापस नहीं आता है तो समय की कदर हमेशा करनी चाहिए चलिए हम यहां पर एडीसी फ्लैश टाइप यूज करके समय की कदर करते थ्री बिट पैरेलल, थ्री बिट कंपैरेटर कंपरेटर कंपैरेटर टाइप एडीसी अब ये क्या है सर इसको फ्लैश टाइप एडीसी के नाम से भी जानते हैं ये फास्टेस्ट है अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कंपोनेंट क्या क्या चाहिए ठीक है सो सबसे पहले याद रखिएगा एक एन बिट के टाइप एडीसी में आपको क्या चाहिए फॉर एन बिट फॉर एन बिट कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेट रिक्वायर्ड आर एन बिट के लिए कौन कौन से कॉम्पोनेंट चाहिए एक चाहिए आपको प्रियोरिटी एनकोडर और ये प्रियोरिटी एनकोडर की साइज क्या होनी चाहिए इस प्रियोरिटी एनकोडर की साइज होनी चाहिए टू टू दी पावर एन क्रॉस एन ठीक है ना ठीक है सर और चाहिए आपको आ, रजिस्टर्स रजिस्टर्स कितने चाहिए टू टू पावर एन होल माइनस वन रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है अरे सॉरी टू टू पावर एन माइनस वन कंपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी और चाहिए टू टू दी पावर एंड रजिस्टर्स अब आपने कहा सर बात वही है समय बचाने चलते हैं तो पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है कोर्स महंगा आता है क्या किया जाए <laughs> तो समय बचाने जाते हैं तो पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है यहाँ पर बहुत सारे आपको कॉम्पोनेट नजर आ रहे ठीक है ये तो कहने का मतलब है बट डिजिटल डिवाइस कॉम्पोनेट आर ऑलमोस्ट नेगलेजेबल इन कॉस्ट तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है सुनते जाओ तुमने कहा सर इसको कैसे हम अरेंज करें तो चलो हम लोग एक काम करते हैं तीन बिट का पैरेलल कंपोरेटर एडीसी बनाते हैं क्योंकि तीन बिट के लिए ना मुझे कितने चाहिए आठ तो रजिस्टर चाहिए और सात कंपरेटर चाहिए तो इससे ज्यादा बोर्ड पे मैं दिखा नहीं पाऊंगा तो चलो तीन बिट का बनाता हूं तीन बिट का बनाने के लिए एक मैंने दिखा दिया आपको प्रियोरिटी एनकोडर यह है आपका की पावर एन क्रॉस एन तो मैं तीन बिट का बना रहा हूं तो मैंने लिखा की पावर थ्री क्रॉस थ्री यानी एट क्रॉस थ्री प्रियोरिटी एनकोडर और यह बेसिक प्रियोरिटी एनकोडर है जिसमें हाइएस्ट प्रियोरिटी हाइएस्ट इनपुट पिन को दी जाती है और नेक्स्ट इनपुट पिन को नेक्स्ट प्रियोरिटी दी जाती है लीस्ट प्रियोरिटी लीस्ट इनपुट पिन को दी जाती है ठीक है ये हो गया आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव आई सिक्स और आई सेवन ठीक है और ये हमारे पास हो गया आउटपुट ये हो गया वाई थ्री या फिर आप इसे लिख सकते हो वाई टू वाई वन वाई जीरो यहाँ हम एक लगा लेते हैं पैरल इन पैरल आउट रजिस्टर ठीक है ना और इस पे लगा देते हैं एक क्लॉक ताकि डेटा हमारा क्या हो जाए स्टोर हो जाए जो भी हमने कन्वर्जन किया यहां मैं बना देता हूं कंपरेटर तो ये आपके कंपरेटर के आउटपुट्स हैं जो कि यहां आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके सात कंपरेटर बना देता हूं ये सेवन कंपरेटर है ठीक है ये आपका हमेशा लॉजिक वन से जोड़ दिया जाता है ये आपके सेवन कंपरेटर्स हो गए यहाँ प्लस और माइनस आपके दो टर्मिनल बना देता हूँ ठीक है अगर प्लस वाला हाई है तो लॉजिक वन माइनस वाला हाई है तो लॉजिक ज़ीरो ठीक है सर यहाँ मैं आपके लिए रजिस्टर्स बना देता हूँ और रेफरेंस वोल्टेज दिखा देता हूँ ठीक है तो मैं काम करता हूं यहाँ पे एक रेफरेंस वोल्टेज और रेजिस्टर्स दिखा देता हूं हर रेजिस्टर के बाद में नेगेटिव वाले टर्मिनल पे कंपरेटर के जोड़ देता हूं ठीक है ठीक है सर अब ये रेजिस्टर्स की वैल्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है या नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है मैं एक काम करता हूँ समझने के लिए इसे मैं आर बाई टू ले लेता हूँ और बाकी सारे मैं आर ले लेता हूँ ठीक है फिर आपका ये मैं आर बाई टू ले लेता हूँ क्या जरूरी है सर नहीं बेटा कुछ भी जरूरी नहीं होता सब आपकी इच्छाएं हैं ठीक है सर तो ये हमारे पास हो गया रेफरेंस यहाँ हो गया हमारे पास इनपुट एनालॉग वोल्टेज जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ठीक है प्रियोरिटी एनकोडर हम रटे बैठे हैं सर प्रियोरिटी एनकोडर में एनी नंबर ऑफ़ इनपुट्स कैन बी हाई बट द बाइनरी डेटा इज अवेलेबल करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी इनपुट ठीक है यहाँ पर मान लो रेफरेंस वोल्टेज जो मैंने आपको दे रखा है इसको ले लेते हैं ट्वेंटी वोल्ट्स ठीक है सर और मैं जो वोल्टेज कन्वर्ट करना चाहता हूँ उसको ले लेता हूँ मैं फोर पॉइंट 4.8 वोल्ट्स ठीक है थोड़ा आसान कर लेते हैं 4.8 वोल्ट्स इसको 10 वोल्ट ले लेते हैं ठीक है सर ये हो गया 10 वोल्ट ये हो गया 4.8 वोल्ट्स अब ये हमारे पास है एक तीन बिट का हाँ जी तीन बिट का पैरल कंपरेटर टाइप एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हम 4.8 पॉइंट वोल्ट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बाइनरी डेटा चाहते हैं इसके लिए आपने कहा सर कंपरेटर की भावना हम कंपरेटर के कंपोनेंट के बारे में हमें पता है कंपरेटर का आउटपुट वन तब होता है जब पॉजिटिव वाला हाई हो और आउटपुट जीरो तब होता है जब नेगेटिव वाला हाई हो ठीक है सो so, यहाँ पर तो हमेशा वन लगा हुआ है अब आपने कहा सर ये जो वोल्टेज आपने बना रखा है इसको थोड़ा समझा दो देखो रेफरेंस वाले को यहां समझाने की कोशिश करता हूं यही था ना एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ मैंने पहले लिखवा दिया था कि आठ रजिस्टर्स चाहिए जी सर आपने कहा सर हम सब ना वोल्टेज डिवाइडर रूल बड़ा तगड़ा पढ़ रखे ठीक है भाई सो ये अगर आर बाई टू है ये आर है ये आर है ये आर है, ये आर है। सारे और ये आर बाई टू है तो टोटल रेजिस्टेंस आपको पता है क्या आप ये वाले पॉइंट पे मुझे रेफरेंस वोल्टेज बता सकते हो कितना होगा आपने बोला वी रेफरेंस इन टू यहां के अक्रॉस का वोल्टेज, है आर, बाई टू। और पूरा वोल्टेज पूरा रेजिस्टेंस है आर बाई टू प्लस आर बाई टू आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब सेवन आर तो सेवन आर मतलब आर और आर कैंसल हो जाएगा और ये हो जाएगा वी रेफरेंस बाई फोर्टीन बोलो भाई जी सर तो ये वी रेफरेंस बाय 14 है सिमिलरली यहां पर अगर देखा जाए तो सर यहां पर अगर आप देखोगे ना तो ये आपका कितना हो जाएगा आर प्लस आर बाई टू ये हो जाएगा वी रेफरेंस इनटू एक बार करके बता देता हूं आर प्लस आर बाई टू अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है सेवन आर सो ये हो जाएगा आपके पास थ्री आर बाय फोर्टीन यस सर So, ये हो जाएगा थ्री आर बाय फोर्टीन समझ में आया सर थ्री वी रेफरेंस बाय फोर्टीन फाइव वी रेफरेंस बाय फोर्टीन सेवन वी रेफरेंस बाय फोर्टीन ये नाइन वी रेफरेंस बाय फोर्टीन ये टेन एलेवन वी रेफरेंस बाय फोर्टीन और सर थर्टीन वी रेफरेंस बाय फोर्टीन ये दिख रहा है क्या यस सर तो चलो भाई यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कहा सर अगर रेफरेंस वोल्टेज 10 वोल्ट है तो यहां जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा अब आपने कहा सर यहां जो वोल्टेज होगा ना वो होगा 10 बाय फोर्टीन अब ये बताओ 10 बाय फोर्टीन बड़ा होगा या 4.8 बड़ा होगा तुमने कहा 4.8 बड़ा होगा तो यहाँ आउटपुट ऑफ कंपरेटर लॉजिक वन आ जाएगा यहां क्या होगा सर थर्टी बाय फोर्टीन सो थर्टी बाय फोर्टीन बड़ा होगा या फोर बड़ा होगा करते चलो बेटा फटाफट हाँ जी सर थर्टी बाय फोर्टीन बड़ा होगा या फोर पॉइंट एट बड़ा होगा तो थर्टी बाय फोर्टीन कितना होगा सर ये हो जाएगा आपका टू पॉइंट वन फोर फोर पॉइंट एट बड़ा होगा लॉजिक वन ठीक है भाई फिफ्टी बाय फोर्टीन बड़ा होगा या फोर पॉइंट एट बड़ा होगा आपने कहा सर यह होगा थ्री पॉइंट फाइव सेवन वन अभी भी फोर पॉइंट एट बड़ा है लॉजिक वन फिर आपने कहा सर सेवेंटी बाय फोटीन बड़ा होगा या फोर पॉइंट एट बड़ा होगा आपने कहा सर ये फाइव आ गया अब फाइव बड़ा होगा तो ये जीरो अब अगर यही ज़ीरो है तो बाकी इसके ऊपर वाले भी जीरो आएंगे प्रियोरिटी एनकोडर में एनी नंबर ऑफ इनपुट्स कैन बी हाई बट द आउटपुट इज करस्पॉन्डिंग टू द हाइस्ट प्रियोरिटी इनपुट अब यहाँ हाइएस्ट प्रियोरिटी इनपुट कौन सी है आई सेवन की है लेकिन जीरो है आई सिक्स की नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है आई थ्री आपने बोला आई थ्री मतलब तीन की बाइनरी आनी चाहिए तीन की बाइनरी आ गई भाई लगाया तो एक क्लॉक पल्स क्लॉक पल्स चाहिए, चाहिए स्टोर तो, तो करना ही ताकि हम कन्वर्ट कर सकें तो एक क्लॉक पल्स हम बोलते हैं इसमें चाहिए क्या मेरी बात समझ पाए एंड दैट इज द फास्टेस्ट वन आपने बोला सर यहाँ पे डिले बहुत कम है और इसलिए ये फास्टेस्ट नजर आ रहा है क्या यह समझ में आया बोलो बेटा अगेन द कन्वर्जन टाइम इज नॉट वेरीज विद अप्लाइड इनपुट वोल्टेज क्या यह समझ आया नाउ कम टू द लास्ट वन द लास्ट वन इज योर ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी ठीक चलो सर अंतिम वाले पे बढ़ते हैं ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी यह डिजिटल वोल्ट मीटर्स में बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाता है यह स्लोवेस्ट है बट हाईली एक्यूरेट टेक्निक है इसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे बेस्ड आपका यह होता है सो so, इसमें हम लोग एक इंटीग्रेटर का यूज करते हैं और ये इंटीग्रेटर आपको मैंने यहाँ पर शो कर रखा है तो डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप ए में लीनियर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है ये अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज है और ये नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज है यहाँ पे हमारा इसे बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है वो एक जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में जाता है अब ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर से जो आउटपुट आता है वो हमारा एंड गेट में जाएगा और एंड गेट का जो आउटपुट है उसे हम उठा के डाल सकते हैं अप काउंटर में जनरली ये सिंक्रोनस कैरी अप पैरेलल कैरी अप काउंटर का यूज़ किया जाता है यहाँ हम लगाते हैं ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्सेस ठीक है सर और ये हमारा डिजिटल में काउंट करके देता है सो so काउंटर तो खाली काउंट करेगा क्लॉक और फिर हम यहाँ लगा देते हैं बेटा कंट्रोल सर्किट ये कंट्रोल सर्किट जो है वो उठा के इस स्विच एस का पोजीशन चेंज करने का काम करने वाला है ऐसा समझ लेते हैं ये हो गया हमारे पास B3, B2, B1 और B0 B3, B2, B1 और B0 बहुत ध्यान से देखना तुमने कहा सर डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी में ये जो हम लोग यूज किए हैं इसको बोलते हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर ठीक है ना तो जेड सी डी नाम दे देता हूँ अब देखो डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी में होता क्या है कि हम सबसे पहले बिफोर कन्वर्जन स्टार्टेड काउंटर इज इज कनेक्टेड विद दिस अप्लाइड एनालॉग फिर उसके बाद हम क्लॉक पल्सेस लगाना चालू कर देते हैं काउंटर अप में काउंट करना चालू करता है यह कंट्रोल सर्किट इंतजार करती है दोबारा जीरो 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 आने का जो कि टू टू दी पावर एन क्लॉक पल्सेस में आएगा इतनी देर में कैपेसिटर आपका पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा ठीक है उसके बाद आपने कहा ये जितना भी चार्ज होना होगा इसके बीच में ही चार्ज हो चुका होगा इसके बाद आपने कहा कंट्रोल सर्किट जब यहां टू टू दी पावर एंड क्लॉक पल्स के बाद जीरो 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 आइडेंटिफाई करता है फिर यह सेलेक्ट को उठा के स्विच को उठा के कनेक्ट कर देता है रेफरेंस से जब स्विच रेफरेंस से कनेक्ट हो जाता है तो नेगेटिव वोल्टेज का इंटीग्रेशन होने लग जाएगा चूंकि ये आपका इन्वर्टिंग टाइप है तो आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर जो है वो निगेटिव ही रहेगा लेकिन चूंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो ये आपका आउटपुट का वोल्टेज घटता जाएगा जैसे ही कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा यहां वोल्टेज जीरो आ जाएगा जैसे ही वोल्टेज यहां जीरो आएगा जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का आउटपुट आपका जीरो हो जाएगा यानी फर्दर अगर आप क्लॉक पल्स लगाओगे भी तो ये काउंट नहीं करेगा क्या मेरी बात समझ पाए तो आपने कहा सर डिस्चार्जिंग के टाइम पे कितनी क्लॉक पल्सेज लगी वो काउंट कर लिया वही शो कर रहा होगा एनालॉग वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू द अप्लाइड बाइनरी बाइनरी डेटा करस्पॉइट टू द अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज चलो सर समझाओ आ जाओ समझाने की कोशिश करते आपने कहा सर अगर हम यहां पर ध्यान से देखिएगा हम सबसे पहले क्या करते हैं इंटीग्रेटर पे मान लीजिए हमारा यहां पे वी का इंटीग्रेशन होना स्टार्ट हुआ कितनी देर के लिए टू टू दावर एन टी सी एल के, के लिए छोड़ दिया ये टाइम पीरियड टी वन तक छोड़ देते हैं ये आपका तब तक वी ए वोल्टेज तक फुल्ली क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा इट इज नॉट नेसेसरी कि ये वी ए वोल्टेज तक टिकी पावर एट, ये आपका टी वन टाइम तक चार्ज होगा हो, हो सकता है पहले ही चार्ज हो जाए ठीक है ठीक है सर उसके बाद आपने कहा सर ये कितनी देर के लिए छोड़ा है जहां T1 आपका है टू टू दावर एन टी सी एल के मतलब वापस जब तक जीरो 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 नहीं हो जाता जैसे 15 के बाद सोलहवीं क्लॉक पल्स जब आएगी तो जीरो 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 हो फिर उसके बाद ये नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट हो जाएगा और नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट होने के बाद ये डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा जिस समय ये डिस्चार्ज हो रहा होगा उस समय भी उसका आउटपुट अभी वन ही आ रहा होगा और तब तक वो काउंट कर रहा होगा नंबर ऑफ क्लॉक पल्स जब तक कि जीरो पे नहीं पहुंच जाता तो आपने कहा सर मान लीजिए टी टू टाइम पीरियड तक में पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया टी टू माइनस टी जो टाइम है वो क्या है n टाइम्स ऑफ टी सी एल के जहाँ एन आपका काउंट है मान लीजिए छ क्लॉक पल्स में पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया तो क्लॉक पल्स काउंट करेगा तो मैंने कैपिटल एन जो लिखा है वो छ हो जाएगा बढ़िया आपने कहा सर यहां से हम ये कह सकते हैं क्या कि हमारा नेट वोल्टेज जो है वो जीरो है हमने माइनस वन बाय आर सी लिखा था इंटीग्रेट किया था जीरो से टी वन किसको वी ए डी टी प्लस ऑफ स्लोप तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज है आप यहाँ पे लिख सकते हो सर माइनस ऑफ वन बाय आर सी इंटू टी वन से टी टू टी वन से टी टू तक के टाइम पीरियड में डिस्चार्ज हो रहा है तो नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज है नेगेटिव बाहर ले, ले लेते हैं पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज इंटू डी टी लिख सकते हैं आपने कहा सर अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है कुछ और थोड़ी लिखा हुआ है ये लिखा है वन बाई आर सी इंटू वी ए इंटू टी वन इज इक्व टू वन बाई आर सी इंटू टी टू माइनस टी वन इंटू वी रेफरेंस अब आपने कहा सर ये वन बाई आर सी वन बाई आर सी का कोई रोल रहा नहीं तो हमको जानने की जरूरत भी नहीं वी ए अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज है टी वन टू की पावर एन टी सी एल के है सर और टी टू माइनस टी वन क्या है एन टी सी एल के है सर इंटू वी रेफरेंस टी सी एल के टी सी एल के हमको टाइम पीरियड का इसकी भी आवश्यकता रही नहीं आपने कहा सर इस हिसाब से हमारा एन जो है जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ काउंट्स तो नंबर ऑफ काउंट्स किसके बराबर होगा आपने बोला सर एन नंबर ऑफ काउंट्स होगा जरा ध्यान से देखिएगा बेटा नंबर ऑफ काउंट्स किसके बराबर होगा आपने लिखा सर ये हो जाएगा टू की पावर एन बाय वी रेफरेंस इनटू अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज बहुत तगड़ा आपने कहा सर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि एन जो है वो प्रोपोर्शनल है अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज के यही तो मैं चाहता था यस yes. अरे नहीं बेटा देखो देखो गो, गो गोपी कृष्णा बेटा ऐसा नहीं करना है यू कैन नॉट मेक द एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इन अ सेंस कि आपने बोला सर अगर हम टू की बाइंड्री लगाएंगे तो टू का वोल्टेज मिलेगा ऐसा नहीं है टू की बाइंड्री लगाओगे तो टू वोल्ट नहीं मिलेगा थ्री की बाइंड्री लगाओगे तो थ्री वोल्ट नहीं मिलेगा कि फोर पॉइंट एट की बाइंड्री लगा फोर पॉइंट एट वोल्ट लगाओ तो फोर पॉइंट एट की बाइंड्री मिलेगी ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये ये निर्भर करता है कि स्केल जो तुमने रखी है उसका रेजोल्यूशन तुम किस हिसाब से लेके चल रहे हो ये तुम डिफाइन कर रहे हो जैसे मैं मेरी मर्जी मैंने नई भाषा सीखी मैंने नई भाषा क्या सीखी मैंने बोला मैं दो को बोलूंगा छे क्या कर लोगे अरे भाई ये एक कोड है दो को बोल रहा हूं छे ऐसे ही 2.48 या 2.4.8 वोल्ट्स को हमने इकरिंग बाइनरी शो किया मेरी बात समझ पाए तो इसीलिए ना जो डी है वही एडीसी आपका ये दोनों जो पोर्शन है ना एडीसी और डी ए सी होते हैं मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चुन लोगे जिस भाषा में डी करते हैं उसी भाषा में फिर कोड भी करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छा सर सो तो यहां पे आपने कहा सर एन क्या है नंबर ऑफ काउंट्स जो कि, कि किसके प्रोपोर्शनल हो गया अप्लाइड एनालॉग वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो गया सर बहुत जबरदस्त ये सबसे बढ़िया टेक्निक इसलिए कही गई क्योंकि यहां चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे इन्वॉल्व है जितनी देर में चार्ज हुआ होगा फिर उतनी देर में डिस्चार्ज जिसको हमने नंबर ऑफ काउंट्स के टर्म में काउंट किया है लेकिन यह स्लोवेस्ट है बहुत समय लगा क्योंकि इसमें टोटल क्लॉक पल्सिस कितनी लग गई आपने बोला सर टोटल क्लॉक पल्सेस कितनी लग गई टू की पावर एन तो लगी ही प्लस एन भी लग गई तो आपने बोला सर टोटल नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस कितनी लग रही है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस कितनी लगी आपने बोला सर एन प्लस टू की पावर एन बहुत सारे लोग सोचते हैं मैक्सिमम कितनी लगेगी सर तो मैक्सिमम भी लिख देता हूं मैक्सिमम क्लॉक पल्सेस या आप कह सकते हो मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम भी कह सकते हो सो कितनी हो सकती है ये टू की पावर एन ही चला जाए ऐसे सर की पावर एन नहीं जाएगा की पावर एन माइनस वन रहना चाहिए पर चलिए हो सकता है कि भाई आपका जो वोल्टेज लगाया वो रेफरेंस से भी बड़ा है So, इस केस में टू की पावर एन प्लस टू की पावर एन लिख सकते हैं जिसको आप कह सकते हो सर ये हो जाएगा टू की पावर एन इन टू टू वन प्लस वन, इसको लिख सकते हो टू की पावर एन प्लस वन सो ये याद रखना बेटा ये क्या है सर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक पलसेस तो अगर हम डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी में मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम पूछें तो वो हो जाएगा टू की पावर एन प्लस वन टी सी एल के क्या ये समझ में आया बोलना भाई अच्छा जी सर देखो ये ना अगर आप मेजरमेंट पढ़ते हो तो डीवीएम बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए हाउवर इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर द गेट अब पता नहीं कब वो मतलब गेट में उसको ऐसे घूम मार फिरा के पूछ लें बट डीवीएम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यू कैन गो बाय द डिजिटल वोल्ट मीटर टाइप उसको आपको पढ़ना चाहिए ठीक है होपिंग कि आपको यहां पे मेरी बातें अच्छे से समझ में आई एडीसी और डीएसी में अब कोई समस्या नहीं है भाई बोलो क्लियर है ना अच्छा अब लोग करते क्या है इस पर क्वेश्चन कैसा आता है जो स्टूडेंट सोचता है लियो भाई अब कैसे करें बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं ठीक है ये बड़ा आ, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है मैं तुमको दे रहा हूं ध्यान से सुनना यहां मैं ना एक लगा देता हूं रिंग काउंटर या फिर मैं लगा देता हूं एक यहां पर यहां लगा देता हूं एक अप काउंटर ठीक है तीन बिट का ठीक है ठीक है सर यहाँ लगा देता हूँ क्लॉक पल्सेस, ठीक है ठीक है सर और ये है आपका सपोज करो क्यू टू क्यू वन और क्यू ज़ीरो और मैंने ना उठा के इसे इस तरह से कनेक्ट कर दिया एक चार बिट के डी से ये है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ये चार बिट का डी है एक इसका हमने यहाँ पर ये कर दिया यहां कनेक्ट कर दिया और यहां कनेक्ट कर दिया ठीक है और डी का ये आउटपुट वोल्टेज है V0. अब तुमसे पूछ लिया बताओ भाई वी नॉट का वेव फॉर्म बताओ कि वी नॉट का वेव फॉर्म कैसा होगा ठीक है ना और चेंज कर देता हूं थोड़ा और मजेदार कर देता हूं वी नॉट का वेव फॉर्म बताओ अब कैसा होगा क्यू जीरो क्यू वन और क्यू टू वी नॉट का वेव फॉर्म बताओ भाई तो तुम कहोगे सर बहुत आसान है डी DAC में आपका जो है वो डेटा आपको लिखा हुआ है हाँ ये लिखा हुआ है डेटा D3 D2 D1 और D0 आपने कहा पहली क्लॉक पल्स जब आएगी ना सर तो ये बाइनरी देगा हाँ जी जीरो अप काउंटर है तो वन की और जब पहली पहला क्लॉक पल्स लगेगा और बाइनरी आएगी वन की तो यहाँ क्या आएगा यहां आएगा ये वन यहां आएगा सर देखो पहली पहले ही लगते ही मान यहाँ जीरो पहली क्लॉक लगेगी 001 होगा यहां क्या जाएगा 100 यानी 8 यानी ये सीधे क्या देगा 8 यानी आपने कहा सर अगर मुझे यहां पर एनालॉग वोल्टेज इसका शो करना है तो ये मुझे कहां नजर आएगा 8 वोल्ट पे सीधे नजर आएगा पहली क्लॉक पल्स के बाद पहली क्लॉक पल्स के बाद ये मुझे नजर आएगा 8 वोल्ट पे ठीक है क्या यस सर फिर दूसरी क्लॉक पल्स लगी हम इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूं दूसरी क्लॉक पल्स लगी पहली क्लॉक पल्स के बाद ये गया एट वोल्ट पे ठीक है सर ये एट वोल्ट पे दूसरी क्लॉक पल्स लगी दूसरी क्लॉक पल्स लगी तो क्या हुआ बाइनरी आई सर यहां पर टू की जब बाइनरी यहां टू की आई तो ये हो गया जीरो वन जीरो यहां आया जीरो जीरो वन जीरो टू तो सीधे ये कहा चला आया टू वोल्ट आपने बोला सीधे टू वोल्ट आ गया क्या मेरी बात समझ पाए जी सर फिर तीसरी आई तीसरी क्लॉक पल्स के बाद क्या हुआ तीसरी क्लॉक पल्स पे आपने बोला सर यहाँ बाइनरी आएगी थ्री की और यहाँ भी बाइनरी किसकी लगेगी थ्री की तो जब यहाँ पे थ्री की बाइनरी लगेगी और यहाँ थ्री की बाइनरी लगेगी तो ये अब ये आपको थ्री वोल्ट दे रहा है ठीक है क्या यस सर थोड़ा बड़ा बना देता हूं एट वोल्ट को ताकि एट और टू का अंतर आप थोड़ा सा बढ़िया से देख पाओगे ठीक है क्या यस सर तो ये अब हम समझ पा रहे हैं सर कि ये किस तरह का आउटपुट वोल्टेज जनरेट कर रहा है बेसिकली ये सिग्नल जनरेट कर रहा है अब आप जो भी सिग्नल जनरेट करना चाहते हो धीमे तेज वो आप जनरेट कर सकते हो अब आप कैसी सर्किट बनाने वाले हो इस पर निर्भर कर रहा है क्या मेरी बात समझ में आई नाउ यू कैन डू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है ठीक है कई बार थोड़ा सा एक बात का और ध्यान रखना है एल एस बी या एल एस बी बाई टू ये जो आपको दिया होता है ये रेजोल्यूशन है अगर रेजोल्यूशन एल एस बी बाई टू दिया हुआ है तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ठीक है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एरर इज इक्वल टू रेजोल्यूशन ये एक बात और ध्यान में रखेंगे क्या आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया है एक बार जल्दी से लिखना तो बनता है यार काफी कोशिश किया हूं तुम्हें समझाने की अबे ये कौन है थर्टी एट लोग जिनको मैं नहीं पसंद आता हूँ मतलब मुझे ऐसा लगता है दिखता भी अच्छा हूं पढ़ाता भी अच्छा हूं पता नहीं क्यों नेगेटिव फीलिंग से ये लोग जो है वो डिसलाइक करके चले जाते हैं है? <laughs> चलो थोड़ा तो बनता है जब लाइकिंग वाला पार्ट आता है तो डिसलाइकिंग वाला पार्ट बनता है है ना क्योंकि सभी का टेस्ट डिफरेंट होता है मैं भी मानता हूं बहुत बढ़िया बट आई एम होपिंग कि दिस उम्मीद बैच इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स बस अब अगर आपने कायदे से उम्मीद बैच को फॉलो किया होगा तो मेरे हिसाब से आपसे ना बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि आपसे क्वेश्चन गेट में नहीं बने बहुत कम ऐसे चांसेस हैं ठीक है थीके? अच्छा अब आप में से अगर किसी को क्वेश्चन या फिर डाउट uh, सेशन लेना है तो आप मेरे साथ डाउट सेशन ले सकते हो हमारी टीम ने ना हम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक तरीका खोजा है जिससे कि हम आपस में एक दूसरे के साथ डाउट सेशन ले सके तो आ जाओ मैं आपको ना डाउट सेशन के बारे में कुछ छोटा सा इंफॉर्मेशन बता देता हूं और साथ ही साथ आपको मैं अपकमिंग आने वाली परीक्षा सीरीज के बारे में बता देता हूं रुको लोकेश सुनते तो जाओ ये जो मैं लिखा हूं कहां शेयर करूंगा ये नहीं पता चलेगा अच्छा मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी आपने पढ़ा वो आपके लिए पेड है किस फॉर्मेट में पेड़ है सर रात में मैं खड़ा होकर पढ़ाया हूं तो आप अपने सोशल मीडिया पे इसे शेयर करोगे बस इतना ही तो ये इतना मैं मान सकता हूं देखो जरा परीक्षा सीरीज के बारे में बता रहे हैं ये परीक्षा सीरीज के बारे में थोड़ा ध्यान से देख लो बेटा मैं थोड़ी लो लाइट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाएगा ठीक है ना थोड़ी मैं लो लाइट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है, देखो जरा ये परीक्षा सीरीज है ठीक है आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट की मतलब मेरा जो है चेहरा काफी बड़ा आ गया आएम वेरी सॉरी फॉर दैट देखो जरा ये परीक्षा सीरीज है परीक्षा सीरीज के लिए आप ना ये देखो जरा गेट और गेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इस सीरीज को आप देना मत भूलना मॉक टेस्ट कब कब है एक फरवरी दो फरवरी और तीन फरवरी को अब आपकी तैयारी का लेवल अगर आपको जांचना है तो ये पता करना चाहिए एग्जैक्टली exactly गेट के पैटर्न पे पैंसठ क्वेश्चन है एक मिनट है ठीक है आप अपनी ब्रांच के हिसाब से चूज करो और ये आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो ये पेपर जरूर देना जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो आपको इस वाले टेलीग्राम लिंक पे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस लिंक को फॉलो करने का एक बहुत जबरदस्त और भी एडवांटेज है क्या एडवांटेज है सर हमारी पूरी टीम जिसने देखा है एक सपना सपना क्या है सपना ये है कि अपकमिंग आने वाला 2022 और 23 में हमारी टीम के थ्रू पढ़े हुए स्टूडेंट फर्स्ट हंड्रेड रैंक्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें ठीक है और उसी हिसाब से हमारी टीम अपना पूरा एफर्ट यूट्यूब पे प्लान करके डालने वाली है ठीक है तो अगर आप यूट्यूब पे भी पढ़ते हो तब भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी और अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला के रख दिया है कि आपको एक तरह से यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन मिल रही है बट मैं इसको फ्री नहीं मानता क्योंकि आपको शेयर करना पड़ता है तो शेयर करते रहिए ठीक है ना आपको यूज करना है मेरा कोड जहां कहीं भी मांगे ठीक है जैसे ही आप कोड यूज करते हो इसका मतलब वरुण सर की हो गई जिम्मेदारी ठीक है so सो होपिंग आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई है कोई अपकमिंग बैच हाँ अब ये आज ली मेरी लास्ट है यूट्यूब की क्लास इस महीने की तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कोई अपकमिंग बैच है जी अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन का ये फॉर्मूला सीरीज थ्री जरूर एक बार देख लीजिएगा और फिर आपको ईजी हो जाएगा भगा के देख सकते हैं अगर आप रिकॉर्डेड मोड में देखें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल मशीन कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप मुझे फॉलो करेंगे अन एकेडमी डॉट कॉम स्लैश एट द रेट मशीन पे आ, क्या है स्लैश एट द रेट मशीन डॉट वरुण पे ठीक है यहाँ पे एक फरवरी से आपका बैच लॉन्च कर रहा हूँ ये पेड बैच है एक फरवरी से मैं लॉन्च कर रहा हूँ ये पूरी टीम हमारी जो है वो आपके इस बैच को बेस्ट बैच बनाने वाली है ठीक है ना एक फरवरी से आपका लॉन्च हो रहा है सारे एजुकेटर्स आपको नजर आ रहे होंगे दे आर को छोड़ दो अगर तो सभी लोग लगभग टॉप एजुकेटर्स हैं पूरे इस इंडस्ट्री में आपको सभी का नाम पता होगा ठीक है करना क्या है सर डाउनलोड करना है अन अकेडमी लर्निंग एप फिर ओपन करना है कोड यूज करना है कोड यूज करने के बाद सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेंगे सर कोई दिक्कत नहीं ठीक है प्लस और आइकॉनिक दो हैं प्लस के एडवांटेजेस आपको नजर आ रहे होंगे और आइकॉनिक में एक एक्स्ट्रा फीचर पर्सनल कोच स्टडी प्लानिंग स्टडी बूस्टर सेशन पर्सनलाइज टेस्ट और प्रिंटेड एक्सपर्ट नोट्स अलोंग विद प्रैक्टिस सेट्स तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप प्लस में जाना चाहते हो या आइकॉनिक में प्लस पे जाओगे अगर तो आपकी जो मंथली फीस ट्वेल्व की फीस है वो है 27,225 ट्वेंटी फोर मंथ की फीस है थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये वाला कोर्स सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में इसको तो ऑर्गेनाइज वे में किया गया है प्लस इसमें आपको पर मंथ की कॉस्ट में रुपीज की पड़ती है आप मेरा कोड यूज करोगे तभी ये फीस मिलेगी नहीं तो ये फीस आपको अधिक मिलेगी अगर आइकॉनिक के थ्रू जाते हो तो 66, तो दैट इज चलिए इस बार ना बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग जो है वो अपनी तैयारी को आगे लेके चलते हैं सर कोई ट्वेंटी वालों के लिए बैच अवेलेबल है बेटा एसेंड फॉर गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ये भी फर्स्ट फेव से स्टार्ट हो रहा है और इस बैच में मैं आपका मशीन लेने वाला हूं ठीक है एक बैच आपका इवॉल्व फॉर गेट 2022 ये भी स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एसेंट फॉर गेट 2023 किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए क्या करना है सर यूज करना है मेरा कोड वी एस टी वन जीरो वन और पाना है मैक्सिमम डिस्काउंट इसी से मिलेगी आपको स्पेशल फ्री क्लास आप चाहो तो फ्री क्लासेस भी कर सकते हो ऐप पे ठीक है यही फ्री क्लासेस में मैं आपको कराने वाला हूं डिजिटल का नुमेरिकल इसी से आपको जो है वो प्लस का कोर्स भी मिलता है और इसी से आपको मिलता है आइकॉनिक में भी डिस्काउंट तो आप तीनों के लिए ये बन गया होपिंग कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई है कहीं कोई डाउट नहीं रह गया कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बेहिचक पूछ डालिएगा बेटा हम्म सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अपकमिंग आने वाले हर जो सेशन होंगे वो आपके लिए होंगे जबरदस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बगल में एक बगल में घंटी बनी होती है उसको आप दबा दीजिएगा बहुत सारा प्यार बहुत सारा प्यार थैंक यू आई ट्राई टू मेक द अपकमिंग लेक्चर्स टू बी एज गुड एज पॉसिबल ठीक है तो मैं बहुत कुछ प्लान किया हूं अपकमिंग लेक्चर्स में मैं उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू गुड नाइट गुड नाइट